जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। आई वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स, अभी संगत जुड़ रही है, देन आई स्टार्ट विद माई सत्संग। संगत जी कैन यू हियर मी? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? देवेंद्र जी जय गुरु जी, आप मेरी आवाज आ रही है आप सबको? थैंक यू देवेंद्र जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना ये जो आपकी घड़ियां बख्शने के लिए, आप सबका शुक्राना जो आप यहाँ पे सत्संग अटेंड करने आए। क्योंकि गुरु जी कहते थे सत्संग करण वाले का भी पला होता है तो सुनन वाले का भी, तो हम सब को ऐसे ही गुरु जी की कृपा हम पे मेहर रहे, यही हम सब की दुआ है। तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ।
गुरुजी कोई भूल चुक हो जाए तो प्लीज़ क्षमा करना, बिकॉज़ ये मेरा पहला लाइव सत्संग है जो मैं फेस टू फेस इस तरीके से फेसबुक पे कर रही हूँ। तो गुरुजी बस मेरे वाणी पे आप ही रहना, जो आपको बुलवाना हो वही बुलवाना। और पहले ही हाथ जोड़ के सारी संगत से माफ़ी, गुरुजी तो यहीं बैठे हुए हैं साक्षात, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए गुरुजी के। बाकी गुरुजी तो अंग संग हम सबके साथ है। एक बार आप मुझे प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए दोबारा। जय गुरुजी। अंजलि आंटी, एम आई ऑडिबल? वीडियो और ऑडियो प्रॉपर आ रही है? जय गुरुजी अंजलि आंटी, जय गुरुजी प्रदीप अंकल, ओके आई विल स्टार्ट। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी से जर्नी तो हमारी पता नहीं कब से स्टार्ट हुई हुई है। गुरुजी तो साक्षात रब हैं, ये हमें बहुत बाद में रियलाइज़ होता है, क्योंकि हम एक तरीके से अपने रब का टेस्ट लेते हैं और रब से मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखना शुरू हुआ कुछ 2012-13 के करीब, और तब मेरे अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं जागी कि ये कौन है क्या है। बस मैं उनका स्वरूप देखती थी और मुझे होता था कोई होंगे। मैंने ना किसी से पूछा, ना मैंने कोई इंटरेस्ट दिखाया। मुझे अगेन थोड़े टाइम बाद गुरुजी का स्वरूप दिखा, और तब भी मेरा नॉर्मल रिएक्शन था। मैंने जहाँ भी देखा मैंने उनसे भी कुछ नहीं पूछा। अचानक से इस बात को काफ़ी टाइम हो गया, इट्स अराउंड 2014 आ गया, और मैं अपनी हायर स्टडीज़ कर रही थी। तो मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ पढ़ती थी वो हमेशा फ़ोन पे होती थी, और वो एक ही बात बोलती थी, जय गुरुजी। तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि ये किससे बात कर रही है, जय गुरुजी क्या, लेकिन मैंने कभी उससे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, ना उसने मुझे कभी बताया। ये सिलसिला काफ़ी महीनों तक चलता रहा। बस वो मुझे इतना इन्फॉर्म करती थी कि मेरी फैमिली मेम्बर में से एक की सेवा लगी हुई है बड़े मंदिर में छतरपुर, तो वो लेट आएंगे, बस इतना ही होता था। तब भी मेरे अंदर कोई क्यूरियोसिटी, कोई एंजाइटी नहीं आई कि किससे बात कर रही है, कौन सेवा में है, कौन सी जगह सेवा, क्या है बड़ा मंदिर, कौन गुरुजी। बस ये तीन शब्द जो इतने प्योर हैं, जो हमें आज समझ में आते हैं कि जय गुरुजी, वो मेरे कानों में पड़ता था। और ऐसे ही काफ़ी महीनों तक ये चीज़ चलती रही। देन धीरे धीरे गुरुजी का सिलसिला एक स्वरूप में ही और ऐसे ही चला। लेकिन फिर काफ़ी टाइम, करीबन 2 साल कुछ भी नहीं हुआ, और ना मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा, ना मुझे गुरुजी के बारे में पता चल पाया, कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से हमारे घर के पास नेबर में किसी का इनवाइट आता है, और वो कहते हैं कि हमारे घर में सत्संग है, आपको आना है। संगत जी, जिनको गुरुजी के बारे में नहीं पता होता या जो बिल्कुल जानते ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि सत्संग क्या होता है। मैं ये सोचती थी कि अगर किसी पंजाबी के घर में बोला है कि सत्संग है तो सुखमनि साहब का पाठ होगा या ग्रंथ साहब जी का पाठ होगा, तीसरे दिन भोग लगना होगा तो इसलिए बुलाया होगा। अगर किसी बनिए के घर में हो तो सॉरी गुरुजी, लेकिन मैं बहुत ट्रांसपेरेंट वे में ये सत्संग कर रही हूँ। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि अगर कोई बनिया कास्ट का कोई कर रहा होगा तो उनके यहाँ भगवद गीता का पाठ या सुंदरकांड का पाठ होगा, तो मेरे हिसाब से सत्संग का मतलब ये होता था। तो मेरी मदर ने वहाँ सत्संग अटेंड किया और मेरे कानों में शब्द पड़े, तो आई वॉज़ वेरी प्राउडली हैप्पी कि हाँ ये तो शब्द हैं, तो डेफिनेटली आंटी पंजाबी है और इनके यहाँ ग्रंथ साहब जी का पाठ होगा, आज भोग लगना होगा। तो ये मेरी उस टाइम पे थॉट प्रोसेस थी कि सत्संग ये होता है। जैसे ही मेरी मदर सत्संग अटेंड करके आई, उन्होंने बोला कि वो जो तू जिनकी फ़ोटो देखती रहती है ना, वो वहाँ पे उनकी फ़ोटो लगी हुई थी गुरुजी की, और वहाँ पे पेन ड्राइव में शब्द चल रहे थे, चाय पी रहे थे लोग, खाना खा रहे थे, सब ऐसे ही चल रहा था। और संगत जी, बीइंग अ पंजाबी, मुझे भी ये चीज़ पता है कि गुरुद्वारे में ये सब नहीं होता, तो हमारे लिए बहुत अजीब था कि ये कैसा सत्संग है कि पेन ड्राइव में भजन चल रहे हैं, शब्द चल रहे हैं और सब खा पी रहे हैं, ये क्या, ऐसा क्या। लेकिन कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई और ना कुछ उसमें इंटरेस्ट दिखाया, बस एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया, ऐसा ही हुआ।
वहाँ पे मेरी मदर ने आके बताया कि वहाँ एक लेडी सत्संग कर रही थी और उन्होंने अपना सत्संग किया कि उनके पैर पे बहुत ज़बरदस्त एलर्जी थी और वो एलर्जी किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही थी। काफ़ी डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था कि आपका पैर बिल्कुल भी नहीं ठीक हो सकता है, हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, हो सकता है आपका पैर काटना भी पड़े। तो उनको किसी ने बड़े मंदिर का रेफरेंस दिया, वो वहाँ गई और जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब मेरी मदर ने ये बात बताई तो सच में संगत जी उस टाइम पे कोई भी ध्यान नहीं दिया, जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक कान से सुन के दूसरे से कोई इंटरेस्ट नहीं आया। बल्कि हम मनुष्य जाति ऐसी है कि अगर हमें कोई बताए कि ऐसे यहाँ मिरेकल हो जाता है, ये बाबा ऐसा कर देते हैं वैसे कर देते हैं, हम फटाफट भाग भाग के जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों गुरु जी की तरफ वो कनेक्शन, गुरु जी की तरफ वो एक मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं पाया, पता नहीं क्यों। आज के टाइम पे मैं सोचती हूँ तो बहुत हैरानी होती है कि इतना बड़ा सत्संग पहली बार मेरी मदर ने सुना, आके बताया भी, लेकिन हम में से किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आया। और शॉकिंग की बात ये थी कि वो जो सत्संग लेडी कर रही थी वो मेरी सिस्टर की फ्रेंड की सिस्टर ही थी और वो यहाँ आसपास नहीं रहती हैं, वो कहीं और रहती हैं, लेकिन कैसे गुरुजी ने उनको भेजा किसी हमारे नेबर के घर में और वो सत्संग करके गई, तब भी हमें नहीं हुआ क्योंकि उनकी ये प्रॉब्लम हम पहले से जानते भी थे, हमें सुनने में भी आया था, लेकिन तब भी हमने ना उनसे बात करी ना कुछ हुआ। तो ये सब गुरुजी की लीला होती है, एक टाइमिंग होते हैं जब हमें गुरुजी बुलाते हैं अपने पास। लेकिन हाँ, एडवांस में ज़रूर गुरुजी हमें इनवाइट भेजते हैं कि मूर्खों मैं तुम्हें एडवांस में बुला रहा हूँ, आ जाओ और ब्लेसिंग्स ले लो। लेकिन सच में हम मूर्ख हैं, हमें नहीं पता चलता कि हमें साक्षात रब बुला रहा है। यही अगर कोई बाबा या कोई एस्ट्रोलॉजर हमें बुलाए कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो हम इतने हजारों पैसे खर्च करके उनके पास जाना चाहेंगे। तो ये हमारे गुरुजी की लीला है जो हमारे टाइमिंग के हिसाब से गुरुजी चलते। ऐसे ही अगेन टाइम बीतता गया और उसके बाद मुझे फेसबुक पे काफ़ी गुरुजी का दिखना लगा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में और कुछ फैमिली फ्रेंड्स वगैरह गुरुजी का स्वरूप शेयर कर रहे हैं, गुरुजी के सत्संग लिख रहे हैं। सेम मेरी सिस्टर के साथ भी ऐसा होने लगा और फिर हमने मम्मा को एक बार बोला कि मम्मा ऐसे ऐसे ना एक गुरुजी हैं, बहुत चमत्कार कर लेते हैं, उनका मंदिर है, चलो वहाँ चलते हैं। संगत जी, मेरी मदर और हम सब अनंतपुर वाले गुरु महाराज जी को मानते हैं, तो मेरी मदर ने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि मेरी दादी के टाइम से हम ये मान रहे हैं उनको। तो मेरी मदर ने कहा कि नहीं नहीं, हम एक गुरु को ऑलरेडी मान रहे हैं, हम दूसरे गुरु के पास नहीं जाएंगे। तो हमें भी था कि ठीक है, क्योंकि मैं मेरी सिस्टर दोनों उन्हीं के आशीर्वाद से ब्लेस हुए हैं, तो हमने भी ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करी, जो आज के टाइम पे बहुत हैरानी की बात है कि हमने क्यों नहीं उस टाइम पे ये बात करी। शायद हमारा उस टाइम टाइम ही नहीं था। 2017 में जब गुरु महाराज जी जो अनंतपुर वाले हैं उन्होंने समाधि ली, उन्होंने चोला छोड़ा अपना, तब जाके कहीं ना कहीं मेरी मम्मा थोड़ी कन्विंस हुई कि हाँ अब हम एक बार जा सकते हैं। लेकिन मैं वहाँ कोई नाम वाम नहीं लूँगी, कुछ नहीं लूँगी, बस मैं तुम्हारे कहने पे एक बार चल लूँगी। लेकिन अभी हमारी क्यूरियोसिटी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी गुरुजी ने हमें बुलाया नहीं। मैंने 2017 में जॉब चेंज करके स्कूल में जॉब शुरू की थी और वहाँ बहुत सारे टीचर्स गुरुजी की फॉलोअर्स थी, तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है क्योंकि अब मेरी क्यूरियोसिटी जाग रही है कि गुरुजी कौन है, क्या है, कैसे करते हैं सब कुछ, तो मैं इनसे पूछती हूँ। अब संगत जी, अब शुरू होता है गुरुजी का टेस्ट। अब नेक्स्ट डे एक सर्कुलर सर्कुलेट होता है जिसमें साफ लिखा होता है कि स्कूल में आप कोई भी रिलीजन या कोई और इस तरीके की चीज़ें नहीं प्रमोट करोगे, दिस इज़ अ स्कूल, दिस इज़ नॉट अ रिलीजियस प्लेस। तो बहुत लंबा चौड़ा एक सर्कुलर आता है मैनेजमेंट की तरफ से, तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि चलो अच्छा है मैं इस टोली में शामिल नहीं हुई, नहीं तो मेरा नाम भी हाईलाइट हो जाता क्योंकि मैं अभी न्यू ज्वाइन हुई यहाँ पे। लेकिन ये हमारी बेवकूफ़ी है क्योंकि जब हम क्यूरियोसिटी दिखाते हैं तो गुरुजी भी तो फिर टेस्ट लेंगे हमारा। तो मैंने फिर किसी से भी बात करी नहीं इस बारे में, बिल्कुल ये नहीं दिखाया कि मुझे भी बताओ कि क्या है क्या नहीं ये सब। मेरे सामने काफ़ी टीचर्स गुरुजी के बारे में बात करती थी तो मैं दूर से थोड़ा सा सुन लेती थी क्या है, पास में जाने में मुझे डर लगता था कि नहीं मुझे ऐसे हाईलाइट नहीं होना स्कूल के अंदर।
अचानक से 2018 में फैमिली मेंबर्स ने अचानक से प्लान बनाया कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, होली वाला दिन था, और ऑल ऑफ अ सडन प्लान बना. हम किसी के थ्रू नहीं गए, ना किसी ने हमें बताया वहाँ क्या होता है क्या नहीं, खुद बस गूगल मैप के थ्रू हम चले गए. और संगत जी पता ही नहीं था क्या टाइमिंग है, क्या है क्या नहीं. पहली बार हम बड़े मंदिर गए 2018 होली वाले दिन, और अराउंड 6:30 हम वहाँ पे पहुँच गए थे. जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत हमें हो रहा था कि पता नहीं क्या करेंगे, कैसे होगा, अंदर क्या होगा, सारे जो सब नई संगत के दिमाग में चीज़ें आती हैं. तो मेरा जो नेफ्यू है वो बहुत बोल रहा था कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना, आप ऐसे मंदिर गुरुद्वारे वगैरह ले आते हो, छुट्टी वाले दिन कहीं और ले चलो. तो जैसे ही हम लाइन में लग के चेकिंग करवा रहे थे सिक्योरिटी सेक्शन से, तो वहाँ पे एक सेवादार जो सिक्योरिटी में थे, उन्होंने मेरे नेफ्यू को रोक दिया. तो उन्होंने बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपकी बॉडी पे ना रंग लगा हुआ है, आप नहीं अंदर जा सकते हो. तो हमें बड़ी हैरानी हुई कि नहीं नहीं बच्चा होली खेला है तो रंग तो वैसे वह हो गया है, नहीं तो नहाया है, वो ऐसा कुछ नहीं है. तो वो कहे नहीं 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 आप अंदर नहीं जा सकते हो. तो बहुत हमें हैरानी हुई कि भाई मना क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया, ऐसा समझ में नहीं आया. अचानक से एक और सेवादार आए अंदर से, उन्होंने बोला जाने दो जाने दो, कुछ नहीं, वो रंग सूख गया है, बच्चा खेला है तो जो परमानेंट कलर से बच्चे खेलते हैं उस तरीके से रंग है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके गीला रंग नहीं लगा हुआ उसकी बॉडी पे, जाने दो. काफ़ी बाद में ये चीज़ जब गुरुजी से जुड़ना शुरू हुए, जब गुरुजी की लीला समझ में आई, तो पता चला गुरुजी कहते हैं कि जब तुम्हारा मन नहीं है मेरे पास आने का तो ज़बरदस्ती मत आओ. तो ये भी एक मैसेज गुरुजी के थ्रू मुझे बाद में, बहुत बाद में समझ में आया. जैसे ही हम अंदर गए, हमने दर्शन करे, और मेरे लिए सिर्फ एक आउटिंग थी, मुझे कोई फीलिंग नहीं हुई कि हाँ गुरुजी से कुछ मांगना है या गुरुजी को मानना है, कुछ भी नहीं. मैं एक आउटिंग पर्पज़ के लिए गई थी बस. जैसे ही लंगर हॉल में घुसे तो देखा कि चार लोग एक थाली में खा रहे हैं. तो हमने कहा ठीक है, हम आठ लोग हैं, आठ आठ जो हैं हम चार चार एक थाली में खा लेंगे, सॉर्टेड. पता नहीं था कि वो गुरुजी की लीला होती है, आपको किसके साथ खाना होता है क्या. तो मेरी मदर नीचे नहीं बैठ सकती हैं, तो देखा कि सिंगल था, चार लोग कौन बैठेंगे. तो एकदम से जो है हम में से एक फैमिली मेम्बर कहीं गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ. अब हमारा दिमाग चल रहा है कि अच्छा अब तो हम छः हो गए हैं, अब हम क्या करें, चलो तीन तीन खा लेंगे, उसमें क्या हो गया, चार लोग की थाली तीन भी तो खा सकते हैं. जैसे ही सेवादार ने हमें डायरेक्शन दी कि चलो इस लाइन के थ्रू चलो, तो जहाँ मैट होता है बीच में जब थाली लेते हैं हम लंगर के लिए, तो वहाँ से हम टाप के दूसरी तरफ जाने लगे. तो सेवादार ने डांट दिया नहीं नहीं आप स्ट्रेट लाइन में चलो. तो हम बड़े परेशान हो गए कि स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो फिर एक साथ कैसे खा पाएंगे, ऐसे कैसे होगा. लेकिन दिमाग नहीं लगाना होता वहाँ पे, और आपकी मर्जी तो चलने नहीं वाली है, वो तो गुरुजी की चलने वाली है. तब भी हमारा दिमाग दौड़े जा रहा है कि चलो आप कम से कम एक थाली में दो जने तो फिक्स आ जाए. तो हम कॉर्नर से काउंट करना शुरू हो गए कि दो दो करके कैसे होंगे. तो हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि चलो अब एक थाली में हम दो फैमिली मेम्बर्स तो होंगे ही होंगे. संगत जी अचानक से किसी को सिंगल थाली मिल जाती है और हमारी प्लानिंग चौपट हो जाती है. तब भी हमें होता है कि चलो बीच वाले लोग सेफ हैं, साइड साइड वाले लोगों को प्रॉब्लम है. अब संगत जी मेरे सामने दो अंकल आके बैठते हैं, और मैं एकदम नोटिस करती हूँ कि जो मेरे सामने अंकल बैठे हैं उनके पैर पे बहुत ज़बरदस्त एलर्जी है, और वो स्क्रैच कर रहे हैं. तो मुझे बड़ी घिन सी आती है कि हाय मुझे इनके साथ लंगर खाना पड़ेगा, मैं कैसे खाऊंगी, मैं अपनी फटाफट रोटी उठा लूंगी और सब्जी नहीं लूंगी. मैं ये थॉट प्रोसेस दिमाग में कर ही रही थी. संगत जी इतना रश होली वाले दिन, संगत इतनी सारी आई हुई है, सेवादार भी सारे बिजी हैं, पता नहीं कहाँ से एक सेवादार आते हैं और उन दोनों अंकल को खड़ा करते हैं. बोले अंकल आप उस साइड पे आ जाओ, वहाँ लंगर शुरू हो गया है, यहाँ पे टाइम लगेगा. मैंने इतनी ज़्यादा एक डीप ब्रेथ ली कि थैंक गॉड मुझे इनके साथ लंगर खाने को नहीं मिला. बेवकूफ़ होते हैं हम, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि लंगर में कितनी ब्लेसिंग है. और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़, मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं. मैंने सबसे पहला सत्संग ही पैर की एलर्जी पे सुना था कि कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया था उन आंटी को जो मेरे नोन में थी, और मेरे सामने अंकल आके बैठे हैं जो क्योर होने के लिए आए हैं, अपनी प्रॉब्लम को एक तरीके से हटाने के लिए आए हैं गुरुजी की ब्लेसिंग के लिए, और उनके साथ मैं लंगर नहीं कर रही हूँ. तो कितनी बड़ा, मतलब मैंने अपनी ब्लेसिंग को रोका उस तरीके, तो उस टाइम समझ में नहीं आता है.
और कैसे एक सेवादार आए, उन्हीं दोनों को उठाया और उठा के ले गए, तो ये भी बहुत एक आश्चर्य वाली बात है, लेकिन नहीं समझ में आता उस टाइम पे। तो मेरे सामने एक कपल आके बैठा और दे बिलोंग टू अ वेरी एलीट एंड रिच क्लास फैमिली, पूरे सॉलिटेयर, हर उन्होंने ज्वेलरी उनकी सॉलिटेयर थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि वाह मेरे साथ तो बड़े अच्छे लोग आके बैठे हैं, मैं इनके साथ लंगर खाऊंगी एंड ऑल। संगत जी जब उन्होंने लंगर शुरू किया, मुझे पता ही नहीं चला लंगर कब खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने ऐसे चाट चाट के लंगर खाया। और मतलब मुझे ऐसा लगा, मतलब गुरु जी माफ करना, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि इतने अमीर और कैसे खा रहे हैं, मुझे खाने को भी नहीं मिल पाया और इन्होंने सब कुछ चट कर दिया, सब मतलब थाली को इस तरीके से उंगलियों से चाट चाट के खा रहे हैं, ऐसा कैसे। तब पता नहीं होता कि गुरुजी की क्या ब्लेसिंग्स होती है। तो गुरुजी ने पहली चीज़ तो मुझे ये सिखाई, जो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैसे गुरुजी के लंगर के जो कण कण, एक एक ग्राई भी जो होती है, एक बाइट जो होती है, एक दाल का दाना भी जो होता है, उसमें भी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो उस टाइम मुझे पूरा लंगर खाने का मौका ही नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरे अंदर तो वो एक अहंकार वाली चीज़ थी कि भाई मैं उनके साथ कैसे खा सकती हूँ और मेरे साथ तो ये रिच फैमिली खा रही है। तो वो भी धीरे धीरे गुरुजी सिखा देते हैं उस चीज़ में। तो जो नई संगत है उनके लिए भी एक मैसेज है कि हमारे अंदर ये जो एक डिफरेंट क्लासेस को और डिफरेंट कास्ट और क्रीड को डिवाइड करने की एक चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में, चाहे हमारे अंदर कितनी निमरता हो, चाहे हमारे अंदर कितना इमोशंस हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब खाना शेयर करने की बात आती है तो हमारे अंदर ये चीज़ आ जाती है। लेकिन वो गुरुजी ने बहुत अच्छे से कर ली। और आज का टाइम ऐसा है कि मैं ज़्यादा भूखों की तरह लंगर खाती हूँ और मैं बहुत प्राउडली उस चीज़ को कह सकती हूँ, क्योंकि अब हमें ब्लेसिंग्स की हर रोज़ ज़रूरत होती है। तो जय गुरुजी, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में भी गुरुजी ने ये सिखाया। धीरे धीरे जैसे ही मैं बड़े मंदिर से होके आई थी पहली बार, तो नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल किया और बोला कि पूजा मैं पूरी रात नहीं सोई और मुझे ना मैं पूरी रात गुरुजी के सत्संग सुनती रही, तो मैं तो एवरी वीक गुरुजी के पास जाऊंगी। तो मुझे लगा चलो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं अपनी सिस्टर से एवरी वीक मिल सकती हूँ, मैं भी जाऊँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं क्यों जाऊंगी, इतनी दूर जाओ, क्यों जाना है मुझे, मुझे तो ऐसा कोई फील नहीं हुआ, कोई कनेक्शन नहीं फील हुआ, पता नहीं, मुझे नहीं जाना। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा इस तरीके से करा। धीरे धीरे मेरी सिस्टर मुझे सत्संग सुनाती रही कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, आई वॉज लीस्ट बॉदर अबाउट दैट। अचानक से मेरी फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई और मुझे मेरे दिमाग में आने लग गया कि मैं अभी वहाँ गई थी उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए और ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो गई। लेकिन फिर भी मैंने इतना सोचा नहीं उस बारे में कि चलो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन संगत जी धीरे धीरे वो प्रॉब्लम विद इन 1 or 2 months बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, इतनी बढ़ने लग गई कि पता ही नहीं चला कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो तब मेरी सिस्टर मुझे बड़े मंदिर लेके गई और मैंने गुरुजी को देखते ही सीधा ये बात बोली गुरुजी के स्वरूप को कि आप रब हो, मेरी सिस्टर बहुत मानती है आपको, तो आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो अगर आप रब हो तो। अब हम गुरुजी को चैलेंज करते हैं, हम गुरुजी को कहते हैं कि भाई ये टेस्ट है और आपको बताना है कि ये जो है करके दिखाओ, मतलब एक तरीके से, मतलब प्रॉपर एक चैलेंज डाल देते हैं गुरुजी के आगे, जो रब को हमारी तरफ करना चाहिए, लेकिन हम रब को सबसे पहले कहते हैं कि ये चैलेंज मैं आपको पास होके दिखाना है कि आप करके दिखाओ, तब हम आपको मानेंगे। और ये हम सबके साथ होता है, चाहे हम नई संगत है या हम पहली बार गुरुजी के पास गए हैं, हम सबसे पहले रब को बोलते हैं कि ये हमारी जो ख्वाहिश है ये पूरी करो। और गुरुजी ने सुनी भी, गुरुजी ने विद इन फ्यू डेज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी, मैंने गुरुजी का शुक्राना भी किया और सब कुछ बैक टू द नॉर्मल ट्रैक हो गया। 2018 सितंबर में मेरी मदर ने घर पे सत्संग रखा और हर किसी को होता है कि न्यूली वेड कपल है तो भाई अब बच्चा भी करो, शादी को थोड़ा टाइम हो चुका है, कंसीव के लिए भी मुझे काफ़ी बार बोला गया। तो जब मेरी मदर ने गुरुजी के सामने अरदास रखी तो वो भी गुरुजी ने बहुत जल्दी सुन ली। लेकिन संगत जी क्या होता है ना, जब गुरुजी या रब हमारा बहुत जल्दी कुछ सुन लेता है ना, तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और हमें लगता है कि इजीली हमारी मेहनत है, हमने भी तो कुछ किया है, हमारा भी तो कुछ इसमें योगदान है, तो हमारे अंदर एक वो ईगो प्रॉब्लम, वो अहंकार भी आने लग जाता है।
सितंबर में ही गुरुजी ने ये भी अरदास सुन ली मेरी मदर की और मैंने कंसीव भी कर लिया, लेकिन मैंने शुक्राना नहीं किया गुरुजी का, क्योंकि अब मैं गुरुजी को भूल चुकी थी एक तरीके से कि ठीक है हुआ हुआ, मैंने भी अपना 100% दिया था चीज़ें सॉर्ट आउट करने में, अब हो गया। संगत जी मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। सेकेंड अल्ट्रासाउंड में मेरे बेबी की हार्ट बीट वॉज वेरी लो और डॉक्टर ने काफ़ी डरा दिया था, डराया क्या एक्चुअली सब बताया था कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर बेड रेस्ट चाहिए, ये सब। तो मैं काफ़ी अब परेशान हो गई थी कि अब मैं क्या करूँ। और ऐसे ही थर्ड जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो इट वॉज एन मिस्ड अबॉर्शन और बेबी की हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हुई, तो 3 मंथ्स का बेबी उस टाइम नहीं बच पाया। तो उस टाइम में बिल्कुल टूट गई, मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि एक रिलेशनशिप को आगे अच्छा बढ़ाने के लिए एक बच्चा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और अब ये चीज़ मुझसे मिस हो गई है, पता नहीं मुझ में कमी है, क्योंकि बहुत चीज़ें हमारी इंडियन सोसाइटी में सबसे पहला ब्लेम जो है लेडी को दिया जाता है, तो मैंने उस टाइम पर भी बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती थी। और होता ये था कि मैं खुद ही ऐसे मोड पे थी कि मुझे खुद ही मैं अपने आप को ब्लेम कर रही थी कि इट हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ मी, मुझ में कमी है, शायद मेरी गलतियां हैं, शायद मैंने ये किया हो वो किया हो ये वो, पता नहीं मैं माँ बन सकती हूँ नहीं बन सकती हूँ, ये सब चीज़ें। तो मैं बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन मोड में जाती जा रही थी। ऑल ऑफ द सडन मुझे मेरी मदर ने कुछ दिनों बाद एक मैसेजेस पढ़ाए जो एक एस्ट्रोलॉजर ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ था कि इसका बेबी नहीं बच पाएगा बिकॉज समबडी इज डूइंग ब्लैक मैजिक ऑन हर। तो जहाँ भी हम ये ब्लैक मैजिक टर्म सुनते हैं ना, हम बहुत घबरा जाते हैं और हमें डर लगने लग जाता है। तो मुझे ये लगा कि फिर तो भगवान है ही नहीं, जब एवरीथिंग इज रिटन इन आर कुंडली, जब एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि ऐसा होने वाला है, तो फिर हम मतलब हमारा फिर हम कुछ भी काम करने का मोटिव क्या है जब एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री प्लान्ड। तो मुझे हो गया कि ठीक है फिर तो एस्ट्रोलॉजी सब कुछ है, आगे का भी पूछ लो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, फिर तो भगवान है ही नहीं, डेफिनेटली फिर भगवान नहीं है, मेरा माइंड सेटअप उस वे में चला गया। लेकिन ये सब कहने से तो कुछ होता नहीं है, आपकी लाइफ आगे चल ही रही है। मैं अपने आप को बहुत अकेला फील करने लगी, मैंने काफ़ी लोगों से मतलब बात करनी बंद कर दी, सोशल नेटवर्किंग पे आना बंद कर दिया, मैं अपने में अकेले ही रहती थी और बहुत रोती रहती थी, ना ढंग से खाना खाना ना कुछ करना। एक बार ऐसे ही मेरे स्कूल में एक कलीग, जिनका मुझे पता भी नहीं था कि वो गुरुजी की संगत है, उन्होंने मुझे रैंडमली एक बार ऐसे ही बोला कि अच्छा तुम यहाँ रहती हो, यहाँ तो गुरुजी के सत्संग होते हैं, तुम अटेंड करोगी? और एकदम मेरे कान खड़े हुए और मुझे लगा कि जब मैं जाना चाह रही थी गुरुजी के पास, गुरुजी नहीं बुला रहे थे, और जब गुरुजी बुला रहे थे तो मैं नहीं जा रही थी, तो अब दोबारा गुरुजी मुझे बुला रहे हैं तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा बाहर निकल कर अपनी आगे वाली लाइफ को भी मूव ऑन करना है और अपने आप को थोड़ा स्टेबल करना है, क्योंकि मैं बहुत बीमार हो रही हूँ, मैं बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रख रही हूँ। तो मैंने बोला हाँ मैम मैं ज़रूर आऊँगी, आप मुझे बताओ कि कहाँ आना है किस टाइम आना है। उन्होंने मुझे इनवाइट दिया, फेबररी 2019 में मैंने पहला सत्संग अटेंड किया, और मुझे पता नहीं था कि गुरुजी के जो टाइमिंग्स होते हैं वो वेरी पंचुअल अबाउट के 12 बजे का सत्संग है, तो 12 बजे मैं 1 बजे अराउंड वहाँ पहुँची, और मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि सब अननोन लोग हैं, और वो एक सोसाइटी में हुआ था तो बहुत सारे लोग थे, मैंने कहा पता नहीं मैं कैसे यहाँ पे इनके बीच में रहूँ, सब देख रहे हैं क्या, मुझे पता नहीं था कि कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता, सब रैंडमली ऐसे ही संगत बन के एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं इस तरीके से। तो मुझे लगा पता नहीं मैंने सही किया नहीं किया आकर, चलो ठीक है। पहला सत्संग अटेंड हुआ, 2 दिन बाद अगेन सेम मेरी कलीग ने मुझे इनवाइट भेजा कि आज तेरे बिल्कुल घर के ना कुछ 10 कदम पे सत्संग है तो तू आइयो। संगत जी 3 बजे का सत्संग था, मैं अराउंड 2:45 पे स्कूल से वापस आती थी, मैं एकदम से मैंने अपना बैग रखा और मैं चली गई। जब मैं वहाँ गई और मैं वहाँ पहुँची तो अच्छा नहीं, मैं लेट पहुंची थी उस दिन, क्योंकि मैं जब स्कूल से आई तो मेरे ख्याल से 2:30 का उनका सत्संग था और मैं कुछ 3:30 अराउंड पहुंची थी। तो मैं जब वहां पहुंची तो मुझे बहुत पीछे जगह मिली जहां से गुरुजी का दरबार भी नहीं दिख रहा था और काफ़ी रश भी था,
मैं वहाँ बैठे बैठे अपने आप में सोचने लगी, मैंने कहा मैं अपनी नींद भी खराब करके आई हूँ, उस दिन भी आई हूँ, आज भी आई हूँ, रात को भी सो नहीं पाती हूँ, रोती रहती हूँ, आज फिर उठ के आ गई हूँ, तो मैं क्यों आ रही हूँ, पता नहीं क्यों मैं आपके पास आ रही हूँ, आप हो कौन, लोग आपके बारे में इतनी बातें करते हैं, मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ, मुझे तो मेरा बच्चा भी आपने छीन लिया। मतलब ये होता ना कि बात करने का, जैसे आप किसी सामने अपने दोस्त से बात कर रहे हो कि ऐसा ऐसा कर दिया भाई तुमने, सारी ब्लेमिंग शुरू हो गई मेरी मन के अंदर, और मैं बोले जा रही हूँ कॉन्टिन्यूशन में अपने मन में। अचानक से पीछे एक सेवादार आते हैं और वो मुझे ऐसे टैप करते हैं शोल्डर पे और इशारा करते हैं उठने के लिए। तो मेरी आंखें बंद होती है, मैं जैसी आंखें खोलती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी जो इंटरनल आवाज़ है वो कहीं बाहर सुनाई तो नहीं दे रही है ये, मतलब क्योंकि काफ़ी बार वो सेवादार बाकी लोगों को चुप करा चुके थे कि आप बात मत करो। अगेन 2-3 सेकेंड में यही सोचती रहती हूँ कि मेरी आवाज़ बाहर जा रही है, इन्होंने मुझे क्यों ऐसे किया। फिर वो थोड़े 2-3 कदम चलते हैं और फिर मुझे इशारा करते हैं उठने के लिए कि आंटी उठो। तो मुझे लगा कि पता नहीं शायद मैं दरवाजे के चौखट पे बैठी हूँ इसलिए मुझे उठा रहे हैं। मैं उठ जाती हूँ और घबरा जाती हूँ कि पता नहीं क्या हो गया। फिर वो कहते हैं आओ मेरे साथ आओ, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ, तो वो मुझे किचन में ले जाते हैं। जैसे किचन में लेके जाते हैं तो मुझे बोलते हैं आंटी आप हाथ धो और ये थाली तैयार करो गुरुजी के लिए। तो जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। तो मुझे तब रियलाइज़ हो जाता है कि मुझे कोई सेवा मिल रही है। और उनके किचन में एक छोटी सी विंडो थी जो दरबार जहाँ ड्राइंग रूम में था वहाँ पे, मतलब विंडो आप वहाँ देख सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा टर्न करके ऐसे गुरुजी को देखा और मैंने कहा कि आप मेरी बात सुन रहे थे, इसका मतलब आप सच में जवाब देते हो जैसे सब संगत बोलती है, सब लोग बोलते हैं। तो मैंने कहा कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो मेरी बात सुन रहे हो, आपने तो पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ इतने टाइम बाद कि किसी ने मुझे रिस्पॉन्ड किया है, मेरी बातों को सुना है, समझा है। और उन्होंने मुझे थाली दी, मैंने गुरुजी को भोग लगाने के लिए रखा। और संगत जी 2:30 का सत्संग था, मैं 3:30-3:45 अराउंड पहुंची थी और मुझे सेवा मिल गई। तो जो लास्ट के 45 मिनट्स थे मैं बिल्कुल गुरुजी के चरणों में बैठी और मतलब मेरी आंखों में से आंसू टपक रहे थे कि मैं मतलब अभी अभी मैं आई गुरुजी के सत्संग में और मुझे इतनी प्यारी सेवा दे दी। और मैं बोल रही हूँ मुझे दूर से दिख भी नहीं रहे हो कौन हो क्या हो, और उन्होंने बिल्कुल अपने पास बुला लिया। तो इससे बड़ा कनेक्शन और इससे बड़े बात क्या हो सकती है कि रब जब आपको बुला रहा है और हम बेवकूफ़ जो हैं वो रब की बात नहीं सुन रहे हैं। तो उस टाइम तो मेरा रोना बंद ही नहीं हुआ, मैं कॉन्टिन्यूशन में रोती रही। तो जो कलीग मुझे लेके गई थी उन्होंने मुझे बाद में बोला कि तू बड़ी ब्लेस्ड है, तू बड़ी लक्की है, आते ही तुझे सेवा मिल गई है, मैं तो पता नहीं कितने सालों से आ रही हूँ मुझे आज तक सेवा नहीं मिली। तो तब भी मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आता था कि ब्लेस्ड क्या, ब्लेस्ड हूँ ठीक है हो सकता है मुझे मिल गई हो, लेकिन हाँ मुझे ये था कि वो सुनते हैं। मुझे ये पता चल गया कि गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी जवाब देते हैं, चाहे किसी के भी थ्रू दें लेकिन जवाब देते हैं, मुझे इतना पता चल गया था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये था कि सेवा मिलनी शायद कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, बट नथिंग इज कोइंसिडेंस इन गुरुजी's दरबार, ये बहुत बाद में रियलाइज हुआ। संगत जी मेरे मिसकैरेज को ऑलमोस्ट 2.5-3 मंथ्स हो चुके थे और डॉक्टर ने अभी मना किया था कि आप पहले अपनी पूरी बॉडी के टेस्ट करवाओ किसमें क्या दिक्कत है, पहले हम उसको क्योर करेंगे, उसके बाद यू शुड स्टार्ट प्लानिंग, क्योंकि जब पहला केस ऐसा हो जाता है तो बाद में और भी मतलब एक फ्रिक्वेंसी लेवल बढ़ जाता है कि शायद नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये चीज़ हो। बट संगत जी जब आप गुरुजी के दरबार में आते हो ना और बिना मांगे जब आप पे रब मेहरबान हो जाता है ना, तो फिर तो वो मौजा ही मौजा है। जैसे हमारा ग्रुप है गुरुजी की मौजा, तो वो सच में मौजा है। आफ्टर 1 वीक मुझे पता चला कि मैंने अगेन कंसीव किया है, तो मैं खुश तो बहुत हुई लेकिन अंदर से डर लग रहा था कि फिर पहले की तरह तो नहीं हो जाएगा कुछ, पता नहीं क्या क्या नहीं। लेकिन संगत जी आप ये देखो कि मुझे हर रोज़ या अल्टरनेट डेज पे गुरुजी सत्संग में बुलाते थे, जो कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि अब तो पैंडेमिक चल रहा है लेकिन पहले भी अगर हम सोचे तो हमें रेगुलर बेसिस पे इनवाइट नहीं आते थे सत्संग के, लेकिन मुझे एवरी डे इनवाइट आते थे। और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, चाहे स्कूल से मैं कितने बजे भी आई हूँ, चाहे शाम को कितने बजे भी हो, मैं सत्संग में जाती थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक मैसेज ज़रूर मिलता था जो मुझे पॉजिटिविटी की तरफ खींच रहा था।
और मुझे सेवा भी मिलनी शुरू हो गई थी। नहीं तो वहाँ पे कम से कम 100-150 संगत हर किसी के घर में होती थी, लेकिन उसमें से मुझे कई बार सेवा मिलती थी। कभी मुझे आरती की थाली बनाने की सेवा मिल रही है, कभी टॉफी डिस्ट्रीब्यूशन, कभी हलवा प्रसाद, तो ये बहुत सारी मुझे सेवाएं मिलने लग गई। लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर ये होने लग गया कि वाह, गुरु जी ना मुझे पसंद कर रहे हैं। गुरु जी को लग रहा है कि हाँ ये अच्छी लड़की है। जो बाकी सब सोचते हैं ना मैं बुरी हूँ, लेकिन गुरु जी को लग रहा है मैं अच्छी हूँ तो मुझे सेवा दे रहे हैं। वो भी मेरी बहुत बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि वो गुरुजी का कल्याण करने का और गुरुजी का कर्म काटने का एक तरीका होता है, तभी वो सेवा देते हैं। लेकिन संगत जी ट्रस्ट मी, जब सेवा मिलती है ना तो सबसे बड़ा अहंकार सेवा में ही आता है, और ये मैंने रियलाइज़ किया है। तो जब भी हमें सेवा मिले तो हमें गुरुजी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि गुरुजी आप सेवा दे रहे हो, बहुत बहुत शुक्राने, आप हमारे कर्म काट रहे हो, आप हमें अच्छी राह पे लेके जा रहे हो, लेकिन हमारे अंदर अहंकार मत आने देना। क्योंकि जब हमें लगता है कि हम एक मॉनिटर बन गए हैं क्लास के, और हम अब हम सब पे रूल कर सकते हैं, तो सेवादार बनना भी बहुत मुश्किल काम है। बस गुरुजी अहंकार से दूर रखना। तो उस टाइम मुझे यही लग रहा था कि मैं गुरुजी ना मुझे जो है अपनी बेटी मान चुके हैं, इसलिए मुझे भी हर रोज सेवा दे देते हैं। लेकिन वो गुरुजी का तरीका था, मेरी मेडिसिन थी, वो मुझे गुरुजी प्रोवाइड कर रहे थे। जब भी मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए जाना होता था, मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि मुझे लगता था कि पता नहीं अब क्या डॉक्टर बोलेगा। बट मैं यही ट्राई करती थी कि पहले मैं सत्संग में जाऊँ और फिर मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जाऊँ। और गुरुजी ऐसा करते भी थे, जिस दिन मेरी अल्ट्रासाउंड की डेट होती थी उसी दिन गुरुजी मुझे सत्संग में बुलाते थे, और टाइमिंग्स भी ऐसे रखते थे कि जिस दिन जो टाइमिंग मुझे डॉक्टर दे रहा है उससे पहले मैं फ्री हो जाती थी और सीधा सत्संग से मैं अल्ट्रासाउंड जाती थी। तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स डॉक्टर देते थे। ऐसे ही टाइम बीतता गया बीतता गया। लेकिन होता है ना सोसाइटी में और फैमिली मेम्बर्स को डाउट होता है कि नहीं भाई इसमें कमी है, पहले ऐसा हो चुका है, अब दोबारा ऐसा होगा, और वैसे भी ये जो है बहुत डिप्रेस्ड उसमें रहती है और पता नहीं कहाँ कहाँ जाने लग गई है, वहीं पे ही चली जाती है, घर में तो टाइम दे नहीं रही है, ये सब चीजें। तो लेकिन मुझे कहीं ना कहीं था कि अगर मुझे बुलावा आ रहा है और मैं जा रही हूँ तो ये उनकी मर्जी है, क्योंकि तब तक मैं काफी सत्संग सुन चुकी थी, लाइव भी मैं काफी जो है संगत के सत्संग सुन चुकी थी कि गुरुजी जब बुलाते हैं तो वो अपनी मर्जी से बुलाते हैं। कई बार आप खुद सोचते हो कि हमें सत्संग में जाना है, आप नहीं जा सकते हो, वो गुरुजी की मर्जी है। तो मुझे भी होता था कि भाई अगर उनको नहीं मुझे बुलाना होगा तो वो नहीं बुलाएंगे, तो मैं इस चीज के लिए किसी को जवाब नहीं देती थी। ऑल ऑफ द सडन ऐसा होता था कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, और परेशानी तो वैसे ही चल रही थी, लेकिन हुआ ये कि मुझे उस दिन सत्संग में जाना था, लेकिन मैं अगेन लेट पहुंची सत्संग में। और हुआ भी ये कि मुझे जहाँ पे सत्संग के लिए इनवाइट भेजा गया था, मैं उस दिन काफ़ी ज़्यादा अपने में ही अपने आप को क्रिटिसाइज करते हुए जा रही थी कि अब इतनी बड़ी गुड न्यूज़ घर में मैंने दी है, तब भी कोई मुझे मेरी कदर नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और ऐसी लड़ाई बड़ाई होकर मैं सत्संग में जाने लग गई। संगत जी जब मैं सत्संग में गई तो मुझे वो घर ही नहीं मिला जहाँ पे सत्संग होना था। मैं इतना ढूंढती रही इतना ढूंढती रही, और वो पहली बार था जिसमें मैं टाइम से घर से निकली थी। तो 5 बजे का कुछ सत्संग था और मैं अराउंड 4:45 बजे निकल गई थी। संगत जी मुझे आधा पौना घंटा लग गया ढूंढने में कि वो घर है कहाँ, और मुझे समझ नहीं आया मैं किससे पूछूँ क्या करूँ। मैं मैसेजेस भी कर रही थी, फ़ोन भी कर रही थी, लेकिन यूजली सत्संग में जब संगत होती है तो वो फ़ोन मैसेजेस नहीं उठाते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि ये जगह मुझे मिल क्यों नहीं रही है, और टाइम भी ऐसा था शाम का कि गर्मियों का ही टाइम था, यही वाला टाइम पीरियड ऑलमोस्ट चल रहा था। तो मुझे था कि कोई बाहर बच्चा भी नहीं खेल रहा है, कोई बाहर खड़ा भी नहीं है, सब अपने घर के अंदर क्यों बंद है, ये तो शाम का टाइम हो रहा है, अब मैं किससे पूछूँ। तो मुझे एक बहुत बुजुर्ग अंकल दिखे, मैंने बोला कि अंकल मुझे इस एड्रेस पे जाना है, सत्संग है वहाँ पे, तो ये एड्रेस कहाँ है। तो वो कहे बेटा मुझे पता नहीं, और मैं आसपास कोई एड्रेस भी किसी के नहीं लिखे हुए थे नाम नेम प्लेट्स पे, तो मुझे एकदम से एक की नेम प्लेट दिखी और मैंने देखा कि ये नंबर है। मैंने कहा ये नंबर है, लेकिन कुछ 52 समथिंग नंबर था और मुझे 50-51 दिख रहे थे, लेकिन 52 नहीं दिख रहा था। मैंने कहा पता नहीं ये कौन सी बात हो गई कि मुझे ये नंबर ही नहीं दिख रहा है कहाँ पे है। मुझे फिर शब्द की आवाज़ आने लगी, फिर मुझे 2-3 बच्चे दिखे, मैंने कहा बेटा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो कह रहे हैं कि ये आवाज़ तो वहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर से आ रही है। मैंने कहा रास्ता कहाँ पे है, कह रहे हैं उधर आपको पीछे से जाना पड़ेगा, आगे से रास्ता नहीं है।
अब संगत जी वहाँ पीछे जो उन्होंने मुझे डायरेक्शन बताई, मैं वहाँ जाने लगी तो मुझे वहाँ कोई सीढ़ियाँ ही नहीं दिख रही हैं, और वहाँ इतना मतलब भर भर के, मतलब एक तरीके से कमर तक पानी भरा हुआ है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी वहाँ पे। तो मुझे लगा मैं कैसे जाऊँ, और मेरी प्रेगनेंसी भी चल रही थी, मेरा फोर्थ मंथ चल रहा था, तो मैंने कहा मैं कैसे ये जाऊँ और मुझे सीढ़ियाँ दिख ही नहीं रही हैं और अब अंधेरा भी होने वाला है, मैं मुझे जाना तो है लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। संगत जी मैंने उस टाइम गुरुजी से अरदास करी, आफ्टर स्ट्रगलिंग ऑफ 1 आवर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आई एम रियली सॉरी, मैं अब आगे से अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। ये भी पता नहीं मुझे अंदर से कैसे ये चीज़ हुई, क्योंकि गुरुजी के अपनी तरीका होता है आपको ब्लेस करने का, तो मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं क्रिटिसाइज करूंगी अपने आप को, आप प्लीज़ मुझे अपने दरबार में बुला लो, मुझे दर्शन करने हैं, मैं बहुत टूट चुकी हूँ और मैं बहुत थक भी गई हूँ, मुझे अब डर भी लग रहा है कि अब पता नहीं कुछ बच्चे कुछ हो ना जाए। संगत जी जैसे होता है ना कि एक आप सुनसान जगह में और आपके सामने लाइट्स जगने लग जाती हैं, ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं आंख बंद करके ऐसे गुरुजी से अरदास कर रही थी और मुझे दिखा कि वहां पे 4-5 संगत खड़ी हुई है, पता नहीं वो संगत कहाँ से आई, मुझे समझ में ही नहीं आया, वो वेरी शॉक्ड कि ये पहले तो नहीं थे यहाँ पे। तो मैंने उनको बोला कि मुझे वहाँ ऊपर जाना है सत्संग, उन्होंने कहा हाँ आंटी आप आओ आओ, उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिखाई और मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं यहाँ से इतनी बार गुजरी हूँ, मुझे ये सीढ़ियाँ पहले दिखी ही नहीं थी और अब ये सीढ़ियाँ भी आ गई और सब कुछ। और मैं वहाँ ऊपर पहुंची और मैं जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ रही थी मुझे था कि मुझे ना ऊपर बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी और मैं नीचे नहीं बैठ सकती इस हालत में, अब मैं क्या करूँगी पता नहीं, पर ठीक है वहाँ जाके देखती हूँ। संगत जी जैसे ही मैंने उनके घर के अंदर अभी एंट्री नहीं करने ही वाली थी, मुझे बाहर ही एक सोफ़ा खाली मिला और मुझे लगा बस गुरुजी ने ये मेरे लिए ही रखा है। मैं वहाँ जाके बैठी और अगेन मैं रोने लग गई कि गुरुजी आप कैसे कैसे टेस्ट लेते हो, आप मुझे ये भी सिखा रहे हो कि अपने आप को कभी भी हमें ब्लेम नहीं करना है, हमारे सब कुछ करने वाले गुरुजी हैं तो हम अपने आप को क्यों करें, हमें गुरुजी ने सब कुछ ब्लेस किया है, छत दी है, रोजी रोटी दे रहे हैं, इतना अच्छा जन्म दिया है हमारा, तो उसमें अगर हम कुछ कुछ चीज़ों की कंप्लेंट करते रहेंगे कईयों के पास तो वो भी नहीं है। तो गुरुजी ने ये भी मुझे उस दिन सिखाया, ये वाली चीज़ भी, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। ऐसे ही धीरे धीरे संगत जी फैमिली प्रॉब्लम्स अभी भी ठीक नहीं हुई थी, तो मैं बड़े मंदिर जाना मैंने शुरू कर दिया था अपनी सिस्टर के साथ, और मेरे जीजू की सेवा लगती थी एवरी थर्सडे, तो मैं एवरी थर्सडे अपनी सिस्टर के साथ बड़े मंदिर जाती थी। वहाँ पे रोना आता था क्योंकि गुरुजी से बात करने का पता चल गया था कि अब गुरुजी कैसे बात करते हैं, जवाब देते हैं सब कुछ। ऐसे ही मैं गुरुजी से बात करने लग गई और दरबार में बैठे बैठे भी बस गुरुजी को यही बोलती थी कि गुरुजी आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसे मुझसे क्यों होता है मेरे साथ, ठीक है मैं अपने आपको ब्लेम नहीं कर रही, जो हम नॉर्मली बात करते हैं मन में, मैं गुरुजी से वहाँ बात करने लगी। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा और संगत जी मुझे हर वीक गुरुजी बड़े मंदिर बुलाने लगे, शायद उनको पता था कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आने वाली क्या नहीं, उनको था कि हाँ मेडिसिन इसको ये ज़रूरत है। लेकिन संगत जी गुरुजी टेस्ट भी बहुत लेते हैं, जब भी मैं घर से बाहर निकलती थी मुझे ऐसी ऐसी रोड्स मिलती थी जो इतनी टूटी हुई होती थी तो मेरी सिस्टर बहुत घबरा जाती थी कि तू ज़िद करके मेरे साथ आ जाती है और देख कितनी रोड ख़राब है, कुछ हो गया बच्चे को तो क्या होगा, और मैं बस मेरे जुबान पे होता था जय गुरुजी जय गुरुजी। और मैंने तब तक गुरुजी को बोल दिया था कि गुरुजी ये बच्चा मैंने मांगा नहीं था, आपने मुझे दिया है तो आपको ही संभालना है, मैं इसकी केयर कुछ नहीं कर रही, मैं आपके दर पे आऊंगी क्योंकि आपने मुझे दिया है तो मुझे तो वो शुक्राना करना ही है। पता नहीं संगत जी कहाँ से वो सरेंडर वाली चीज़ मेरे अंदर आई, जो अभी भी मुझे हैरानी होती है कि मैं वो दोबारा वैसी वाली पर्सनैलिटी मेरे अंदर नहीं आ सकती। संगत जी सरेंडर वर्ड भी आपने बहुत बार सुना होगा कि सब संगत कहती है सरेंडर कर दो, लेकिन संगत जी 1% ही या एक ही बंदा इतना विरला होता है जो सरेंडर का मतलब समझ सकता है, अदरवाइज सरेंडर करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, और गुरु महाराज जी की मर्जी के बगैर तो हम सरेंडर कर ही नहीं सकते, वही हमें सरेंडर करना सिखाते हैं, वही हमें सरेंडर कराते भी हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बड़े मंदिर में गुरुजी को शिकायतें तो कर ही रही थी, साथ में बातें भी कर रही थी, और अगेन मैं जब घर वापस आई
तो रात को मैं ड्रीम में क्या देखती हूँ कि गुरुजी मुझे ड्रीम में आए हैं और गुरुजी की बॉडी पूरी पैरालाइज्ड है और सिर्फ गुरुजी का जो फेस है वो मूवेबल है और गुरुजी की आईज मूवेबल है. कभी वो आईज वो गोल गोल कर रहे हैं, कभी लेफ्ट राइट कर रहे हैं. तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ जब मेरी आँख खुलती है और मेरे सामने ही गुरुजी का स्वरूप होता है. तो पहली बार गुरुजी के ड्रीम दर्शन करना, कि गुरुजी भी कहते हैं कि तुम मेरे दर्शन के लिए तड़पते हो लेकिन जब मेरे दर्शन हो जाते हैं ना तो इंसान पागल हो सकता है. और मेरे साथ ऐसे ही कुछ हुआ. मैं इतनी घबरा गई, मुझे इतनी स्वेटिंग हुई और मेरा 7th month चल रहा था उस टाइम पे. तो मुझे समझ में नहीं आया इस ड्रीम का क्या मतलब है क्या नहीं है. मैंने किसी से उस टाइम डिस्कस भी नहीं किया था. मैंने काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ बताई थी कि मेरे साथ साथ सब घबरा जाएंगे. लेकिन मैं बस गुरुजी को यही बोलती कि गुरुजी इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ में आया. क्या मैं पैरालाइज्ड होने वाली हूँ, क्या मेरे पे कोई मुसीबत आने वाली है? क्योंकि तब तक मैं ये सत्संग सुनती थी कि गुरुजी ड्रीम में आके चीज़ें बता देते हैं. तो धीरे धीरे मैंने सत्संग सुनने शुरू करे जिसमें ये क्लैरिफाई हुआ कि गुरुजी आपकी प्रॉब्लम जो आने वाली होती है या आपके जो कष्ट होते हैं वो अपने ऊपर लेते हैं. तब भी मुझे ये था कि अभी मुझे श्योरिटी नहीं है कि ये गुरुजी ने कष्ट लिया है या गुरुजी मुझे आने वाला कुछ दिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था. मैं ऐसे ही बड़े मंदिर जाती रही. तो एक दिन मैं इसी इंसिडेंट की वजह से काफ़ी परेशान थी और लंगर हॉल के बाहर खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी अपनी सिस्टर का. तो मेरे पास एक अंकल आते हैं और वो मुझे चेयर ऑफर करते हैं और बोलते हैं शिवांश की मम्मी बैठ जाओ. तो मुझे वो इतनी जल्दी बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता. तो मैं अपने ख्यालों में होती हूँ और फिर वो बोलते हैं आंटी नाम कैसा लगा. मैंने कहा अंकल सॉरी मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला. वो कह रहे हैं मैंने बोला शिवांश की मम्मी यहाँ बैठ जाओ. संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि ये क्या बोला अंकल ने, ये मतलब कैसे पॉसिबल है क्या नहीं. और मैं इतनी खुश हुई. फिर वो अंकल धीरे से बोलने लग गए कि अभी ना ये किसी को बताना मत और आपकी ना नॉर्मल डिलीवरी होगी और आपको लड़का ब्लेस करेंगे गुरुजी. मैंने कहा अच्छा ठीक है अंकल. तो मैंने कहा कि कह रहे हैं अभी ना ज़्यादा लोगों को मत बताना. मैंने कहा अंकल फैमिली मेम्बर्स को बता सकते हैं? कह रहे हैं हाँ ठीक है बताना लेकिन बाहर वालों को भी मत बताना. मैंने कहा ठीक है अंकल नहीं बताऊंगी. तो मेरी सिस्टर आती है, मैं उनको एकदम से बताती हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ. अब मेरी सिस्टर को ये लगता है कि मैं ना पागल हो चुकी हूँ अपने डिप्रेशन की वजह से. मुझे कुछ भी सुनने को मिल जाता है, मुझे कुछ भी अपने एक हेलुसिनेशन या डिल्यूजन होने लग जाता है. तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी. फिर मैं उनको घसीट के ले गई कि नहीं नहीं आप उन अंकल के पास चलो. तो मैंने उन अंकल से मिलवाया. उन अंकल ने फिर दोबारा बताया कि हाँ इसका ना लड़का होगा, उसका नाम शिवांशी रखना, नॉर्मल डिलीवरी होगी. तो अब हम तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि हम तो ये सत्संग सुन रहे थे और ये हो गया हमारे साथ. बड़े मंदिर में किसी सेवादार ने हमें ये बोल दिया. तो लेकिन अभी भी इफ एंड बट्स तो चल रहे होते हैं, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा वो लड़का है लड़की है, ये नॉर्मल डिलीवरी है. और नॉर्मल डिलीवरी आज के टाइम पे होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. लेकिन फिर भी मैं उस इंसिडेंट को बार बार सोचती थी और इसी में खोई रहती थी कि वाह गुरुजी ने बच्चे का नाम भी रख लिया. नहीं तो मैं तो ऐसी हालत में थी कि मैं तो नाम भी नहीं सोच सकती थी कि क्या रखना है क्या नहीं. संगत जी ऐसे ही टाइम बीतता गया और जैसे मेरी डिलीवरी डेट पास आने लगी तो मुझे यही हुआ कि पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला. अब मेरी डिलीवरी डेट नवम्बर 2019 थी, मिड ऑफ नवंबर में थी. तो एकदम लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ऐसा होता है, दिवाली के नेक्स्ट डे मैं पहली बार मंडे को बड़े मंदिर जाती हूँ और मुझे पहली बार मंडे गुरुजी ने बुलाया और चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद दिया. इससे पहले मैंने चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद नहीं लिया था क्योंकि मैं एवरी थर्सडे या सैटरडे जाती थी बड़े मंदिर. संगत जी उस दिन ऐसा हुआ, मुझे अगेन वो अंकल मिले जिन्होंने मुझे ये बात बोली थी और अंकल ने ना मुझे डांटते हुए बोला कि तू आज फिर आ गई है मंदिर. तो मैंने कहा हाँ जी. कह रहे हुण नहीं आना. मैंने कहा क्या हुआ अंकल क्यों नहीं आना? मैं डर गई कि पता नहीं क्यों नहीं आना. कह रहे बस अब नहीं आना तेरे को मंदिर, अब तू ना अभी मत अब मत आइयो. तो मैं बहुत घबरा गई कि पता नहीं अंकल ने ऐसा क्यों बोला क्या हुआ. संगत जी अंकल ने ये बात मुझे मंडे बोली और मैं घर आई तो मैं बड़ी परेशान कि भाई अंकल ने मुझे ये बात क्यों बोली, ऐसा क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई. और संगत जी रात को ही मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा. और जब मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट करा गया तो मैं उस टाइम पे प्रिपेयर्ड नहीं थी क्योंकि अभी लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर चल रहा था और मेरे दिमाग में था कि अभी नवंबर में डिलीवरी होगी. तो मैं गुरुजी को बोल रही कि गुरुजी मुझे तो शिफ्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो आप मैं तो अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ.
तो मैं गुरुजी 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 प्लीज आप मुझे ना हिम्मत दो, अभी मत करना प्लीज, मुझे घर वापस भेज दो, नवंबर में ही डिलीवरी करना, मैं अभी नहीं प्रिपेयर्ड। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो संगत जी एकदम से डॉक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बता दी कि कॉर्ड फंसी हुई है बेबी के नेक पे, तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मेरे दिमाग में चला कि गुरुजी ने तो कहा था नॉर्मल डिलीवरी, ये कह रहे हैं ऑपरेशन। मैं कहा चलो देखते हैं गुरुजी, अब के आप सच बोल रहे हो या डॉक्टर बोल रहे हैं वो तो वक्त बताएगा। तो कितनी बड़ी ये भी मूर्खता थी, लेकिन मैं गुरुजी से ऐसे भी बोलती थी। और जैसे ही मुझे लेके गए रूम में, तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब एक तरीके से वो भूल ही गए मुझे, कि मेरे आसपास कोई आया ही नहीं। और काफ़ी टाइम ऐसा होने लग गया, काफ़ी टाइम निकल गया। तो मैं नर्स को बुला रही, मैंने कहा कि क्या होने वाला है क्या, उन्होंने बोला अभी वेट करो, अभी डॉक्टर थोड़ा बिजी है, अभी आएंगे। तो संगत जी मुझे था कि मेरे आसपास अगर कोई लेडी की डिलीवरी हो रही हो या कोई आसपास मेरे बैठा हो तो मैं थोड़ा टाइम पास कर लूँगी मेरे बात बात, लेकिन वहाँ पे और कोई था ही नहीं। तो ये भी बड़ा शॉकिंग था कि किसी और को गुरुजी ने मेरे आसपास रखा ही नहीं, पूरा डिलीवरी रूम जो था वो खाली था, और जो वेटिंग एरिया होता है वो भी खाली था। और मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्स ये डरा भी रही थी कि आप ना, आपका तो कल ही बच्चा होगा, अभी आज एकदम आते ही थोड़ी बच्चा हो जाएगा, तो आप कल तक अभी बैठे रहो ऐसे। तो मुझे था कि पता नहीं मेरे को ऐसे एक जो काल कोठरी होती है वहां बंद कर दिया, कोई आसपास है ही नहीं बात करने को, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो वो भी गुरुजी के अपने तरीके होते हैं। संगत जी जैसे ही मेरी लेबर पेन शुरू हुई, तो अभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी टाइम लगेगा, अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मुझे इतना पेन शुरू हो गया कि मैंने गुरुजी को याद करी थी, बस जय गुरुजी जय गुरुजी। तो नर्स भी बड़ी परेशान हो रही थी कि पता नहीं किसकी अब किसको बुला रही है, हमने मम्मी पापा तो सुना है, लोग बोलते हैं ये जय गुरुजी क्या बोले जा रही है। तो मैंने सिस्टर को बोला कि सिस्टर आप ना मुझसे नहीं टॉलरेट हो रहा। तो वो कहते ठीक है फिर चलो ऑपरेशन कर देते हैं। अब मैं गुरुजी को बोलूँ गुरुजी आपने नॉर्मल डिलीवरी बोला है तो मुझे भी अब उसी फेज में ही रहना चाहिए, लेकिन ना मुझसे अब टॉलरेट नहीं हो रहा, अब आप ही कुछ करो। संगत जी यू वोंट बिलीव, जो डॉक्टर मुझे बोल रही थी कि कम से कम यू नीड टू वेट फॉर अनदर 6 to 7 hours, विद इन हाफ एन आवर उन्होंने बोला कि चलो चलो फटाफट डिलीवरी होने वाली है। और संगत जी जैसे ही डिलीवरी हुई, इट वॉज अ बेबी बॉय। और मैं देखते ही मैंने मेरे मुंह से सबसे पहले जय गुरु जी निकला, और मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपने कोई नाम सोचा है, मैंने कहा हाँ जी शिवांश, और ऐसे गुरु जी ने नामकरण भी कर दिया। संगत जी उसके बाद भी गुरु जी के टेस्ट खत्म नहीं होते हैं, बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। ऐसा नहीं है कि खुशी आई है तो गम नहीं आएंगे या टेस्ट नहीं होंगे। जैसे हमारे हार्ट बीट में हमारी लाइंस होती है अप एंड डाउन, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो वी आर डेड। तो ऐसी लाइफ है, ऊपर नीचे चलता रहेगा, और ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसी खुशी आई बच्चे की और जैसे ही मुझे शिफ्ट किया गया, तो मेरे टेस्ट वगैरह हुए, तो डॉक्टर मेरे पास आई और डॉक्टर ने बोला कि यू आर वेरी सीरियस बिकॉज आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 4 है, तो आपको हम जो है खून की बॉटल्स चढ़ाएंगे, आप एकदम से साइन वगैरह कर दो, और नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। संगत जी मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा, और ये मुझे इतना डरा रहे हैं, पूरी डॉक्टर्स की टीम आ गई है, मुझे नर्स जो है मेरी टांगों को दबा रही है, मेरे हाथों को मल रही है। मैंने कहा ये पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है। मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कह रहे नहीं नहीं आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, आप ऐसे कैसे ठीक हो, आपको पता है आपके लाइफ थ्रेटनिंग वाला टाइम है इस टाइम पे, 4 हीमोग्लोबिन आपका। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज 4 हीमोग्लोबिन, क्योंकि उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा। तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं मुझे कोई बॉटल वगैरह नहीं चढ़ानी, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटना शुरू कर दिया सब कुछ। मैंने कहा नहीं नहीं आप मुझे बेबी दो, मुझे बेबी देखना है, वो मुझे बेबी दे ही ना। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आपको नहीं दे रहे हैं, आप बात नहीं समझ रहे हो। तो मुझे रूम में भी शिफ्ट करने को वो तैयार नहीं हो रहे थे, समहा उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट किया। मेरे फैमिली मेम्बर्स से उन्होंने बात करी, तो सब बड़े परेशान हो गए कि ये तो बहुत डरा रहे हैं डॉक्टर्स, क्या करें क्या ना करें। तो मेरे जीजू एवरी थर्सडे सेवा के लिए जाते थे, और उस दिन उनको सेवा के लिए ही जाना था, तो वो मेरे लिए रात को एक रोटी प्रसाद और थोड़ा सा हलवा लेके आए थे। संगत जी मैंने वो खाया, और मेरे लिए तो गुरुजी का लंगर प्रसाद ही सब कुछ था, और तो मेरे लिए कोई मेडिसिन थी नहीं। नेक्स्ट डे मुझे फिर डॉक्टर ने बोला कि अच्छा आपको खून नहीं चढ़वाना ना, तो आप एक काम करो,
हम आपको ना अनीमिया चढ़ा देते हैं एक तरीके से, आप जो आयरन की बॉटल्स चढ़ा देते हैं, क्योंकि आपका अनीमिया भी बहुत लो हो रहा है, आप बात को समझ नहीं रहे हो, आप किसी भी टाइम आपकी ना एक तरीके से मौत हो सकती है, आप बात को समझो, हम आपको डराना नहीं चाहते लेकिन आप समझो। तो मैं कहूँ नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब संगत जी वो ओवर कॉन्फिडेंस था क्या था ये नहीं, लेकिन कई बार हमें ये लगता है कि हम ना गुरु जी की संगत है तो हम ना अमल हो गए हैं एक तरीके से, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार गुरु जी खुद ही बता देते हैं कि आपके लिए क्या नीड है उस टाइम पे, क्या नहीं है। लेकिन मेरी बाकी संगत से यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी ये मत सोचिए कि हम गुरु संगत है तो हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, और वो कैसे ठीक होना है नहीं होना वो भी गुरु जी के हाथ में है। तो उस टाइम मुझे ये था कि गुरु जी अब आपके हाथ में है, मैंने आज लंगर प्रसाद खाया है जो आपने भेजा है, अब आपको देखना है कि मेरा जिंदा रहना ठीक है या मेरा मरना ठीक है, मेरे बच्चे को पीछे कौन देखेगा, अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि अब मैंने सच में आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। क्योंकि वैसे भी मेरी लाइफ कोई बहुत हैपनिंग नहीं चल रही थी, लेकिन हाँ बच्चे के आने से मेरी लाइफ हैपनिंग हो सकती है, लेकिन अब क्या होना है वो आपके ऊपर है, अब आप ही देखो। संगत जी अचानक से हमारे एक फैमिली डॉक्टर है होम्योपैथिक, उनसे कंसल्ट किया और उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं आप कोई खून की बॉटल्स मत चढ़वाओ उसको, मैं मेडिसिन दूंगा वो ठीक हो जाएगी। अब संगत जी एक वहां से हौसला आया, गुरु जी का वहां से भी मैसेज आया, फिर ऊपर से काफी सारे मंदिर में भी सेवादार ने बोला कि नहीं वो ठीक हो जाएगी, तो एक पॉजिटिविटी वहां से भी आई। तो मैंने ना कोई आयरन की बॉटल चढ़वाई, ना मैंने खून की बॉटल चढ़वाई, और मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं अच्छी डाइट लूंगी, आप मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दो। एंड दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि 2 दिन में क्या हो जाएगा भाई, कुछ भी नहीं होने वाला, मर जाएगी और तो कुछ होगा नहीं, उन्होंने सारे पेपर साइन वगैरह करवा दिए। संगत जी यू वोंट बिलीव, 2 दिन बाद मेरा हीमोग्लोबिन 6 हो गया और धीरे धीरे हीमोग्लोबिन बढ़ने लग गया, तो अनंतम शुक्राने गुरु जी के। लेकिन यहाँ पे भी अभी चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए, मेरे बच्चे को जॉन्डिस हो गया, और जॉन्डिस बहुत नॉर्मल सी बात है बच्चों को होना, लेकिन जैसे ही उसको जॉन्डिस हुआ तो जब उसके टेस्ट वगैरह किए गए तो उसके रिपोर्ट्स में कीटोन्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बहुत बड़ी हुई आई, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इट वॉज नॉट नॉर्मल कि इतने छोटे बच्चों की मतलब इस तरीके से वैल्यू इतनी बड़ी हुई आए। तो मैं भी बहुत परेशान हो गई कि अब ये कौन सा टेस्ट आ गया है, अब मेरी चीज़ ठीक हो रही है तो बच्चे को ये हो गया है। फिर उसको लाइट्स वगैरह में रखा गया, अचानक से उसका बिलिरुबिन जो वैल्यू होती है वो इतनी ज़्यादा इस तरीके से हो गई कि उसे नर्सरी में शिफ्ट करना पड़ा। और संगत जी जब उसको नर्सरी में शिफ्ट करा तो मैं प्रिपेयर नहीं थी उस टाइम के लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चे को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन जब उसको लेके जा रहे थे नर्सरी में, अचानक से कुछ 1 घंटे में ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखें मैंने बंद करी और मुझे दिखा कि कुछ गलत हो रहा है मेरे बच्चे के साथ, और मुझे बहुत तेज किसी के रोने की आवाज़ आई किसी बच्चे की। संगत जी मैं अपने बेड से उठी, उस टाइम मैं अकेले थी रूम में, मैं बेड से उठी और मैंने सारे रूम्स के दरवाजे खोलने शुरू कर दिए कि मेरा बच्चा कहीं रो रहा है, और सब बड़े हैरान कि हमारे रूम में इस टाइम पर, रात के कुछ 1:30-2 बजे हुए थे, मैं एकदम एक रूम में घुसी जहाँ पे एक न्यू बॉर्न बेबी रो रहा था, तो मुझे हुआ कि नहीं नहीं ये तो मेरा बच्चा नहीं रो रहा, लेकिन मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। मैंने बहुत इंसिस्ट किया नर्स को, अपनी सिस्टर को कि प्लीज मुझे वहां लेके चलो लेके चलो। तो अभी 2 दिन ही हुए थे डिलीवरी को, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपके लिए ना फिर व्हील चेयर बुलानी पड़ेगी, आप ये करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। संगत जी मैं जैसे ही वहां गई, मुझे वहां पे इतने सारे बच्चे रो रहे थे, मतलब बहुत मुश्किल होता है एक माँ के लिए वो चीज देखना। तो जब मैंने वो देखा मुझसे रहा ही नहीं गया, और मैंने कहा मेरा बच्चा मुझे वापस करो, तो वो कहते हैं ऐसे नहीं होता है, उसको ना अभी हमने ड्रिप लगाई हुई है, आप चिंता मत करो, आप लोगे तो वो ड्रिप हट जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं मेरा बच्चा रो रहा है, आप मुझे दो। मैंने बहुत जिद करी और मैंने अपना बच्चा अपने पास लिया और मैंने उसको ऐसे छाती से लगा लिया और मैंने उससे बहुत सॉरी बोला कि मेरी बेवकूफ़ी और मेरी गलतियों की वजह से, क्योंकि जब तुम मेरे पेट में भी थे तब भी मैं तुम्हारे साथ इनजस्टिस कर रही थी, और अभी भी मेरे ही अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखा जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो संगत जी जैसे ही मैं ये कर रही थी, मैंने देखा कि जो ड्रिप लगी हुई थी वो मेरे हाथ में आ जाती है, और ड्रिप के आगे इतनी मोटी सी सुई लगी होती है, निडल लगी होती है, और मैं डर जाती हूँ कि ये निडल कहाँ लगाई हुई थी। और मैंने नर्स को बुलाया कि ये ना मेरे हाथ में आ गई है, तो वो बहुत डर गई, तो मैंने कहा पता नहीं डर क्यों गई है।
तो संगत जी वो उन्होंने न्यू बॉर्न बेबी जो अभी से 2 दिन का है वो उसके यूरिन के वहाँ निडल इंसर्ट की हुई थी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो जब यूरिन पास करे तो इस निडल के थ्रू पाइप में उनके पास स्टोर हो जाए। तो ये उन्होंने मुझे बाद में बताया। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि एक छोटे से बच्चे का यूरिन कलेक्ट करने के लिए आपने उसको इतनी मोटी सुई चुबा दी और ये कर दिया। तो ये भी गुरुजी का तरीका था कि मुझे वहाँ भेजना, मुझे दिखाना कि क्या हो रहा है। मैंने कहा कि मैं अपने बच्चे को अब ऑल यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ, आप प्लीज़ मेरा बच्चा वापस दो। तो मेरी सिस्टर और उस टाइम मेरे जीजू भी वहाँ आ गए थे, तो उन्होंने बहुत बहुत शुक्राना उनका भी, उन्होंने बहुत उस टाइम पे डॉक्टर्स को बोला और उनको बताया कि आपकी क्या गलती है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो सारा कुछ। और नेक्स्ट डे हम किसी तरीके से जो है हमने सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करी और मैंने कहा मैं अपने बच्चे को रूम में ही जो लाइट्स वगैरह में रखना होगा वो करूँगी, मैं नर्सरी में नहीं भेज रही। संगत जी नेक्स्ट डे मुझे पता चलता है कि मेरे जो नॉर्मल डिलीवरी में जो स्टिचेस थे वो खुल चुके। अब डॉक्टर ने मुझे बड़ा बोलना शुरू कर दिया कि तुम बड़ा बोल रही थी कि मैं खून की बॉटल नहीं लगवाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, अब देखो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई ना तुम्हारे साथ, तुम जिद करती हो, तुमने अपने बच्चे को भी मानी, मतलब जितना एक जो ब्लेमिंग हो सकता था, जितना क्रिटिसाइज हो सकता था सब डॉक्टर ने बोला। और मैं आंख नीचे करके सुन रही थी, मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने बोला तुम्हें पता है क्या हो सकता है, तुम्हारा इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका है, तुम्हारे इन्फेक्शन इट कैन लीड्स टू कैंसर ऑल्सो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मतलब बहुत। और मुझे लगा कि अब शायद गुरुजी मेरे जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरा इन्फेक्शन सच में बढ़ चुका है, आई कैन फील दैट। लेकिन कहीं ना कहीं मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी बस इतना ही टाइम था मेरे बच्चे के साथ मेरा, क्या बस इतनी ही जर्नी थी, अब आप ही देखो क्या करना है क्या नहीं करना। संगत जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं अंदर से पॉजिटिव थी और मुझे ये चीज़ लग रही थी कि नहीं बस इतनी सी लाइफ नहीं गुरुजी ने दी है। जब गुरुजी ने मुझे वो ड्रीम में पैरालाइज दिखाया था तो ये मुझे गुरुजी ने इस टाइम का दिखाया था कि शायद मेरे साथ ये होने वाला था, गुरुजी क्योर कर चुके। क्योंकि जो आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहा होता है ना वो भी गुरुजी ही बताते हैं कि उसका क्या मतलब था, वो क्या कब वो क्या होने वाला है। और जो मुझे गुरुजी ने 4-5 महीने बाद रियलाइज कराया है कि ये वाली चीज़ तेरे साथ होने वाली थी जो मैं अपने ऊपर ले चुका हूँ। ऐसे ही टाइम थोड़ा सा 1-2 दिन बीत गए और हमने इंसिस्ट किया कि अब हमें छुट्टी चाहिए अब बच्चे को और मुझे घर जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो वो इलाज नहीं हो पा रहा है, यहाँ तो आप डरा रहे हो। उन्होंने पेपर्स वगैरह साइन करवाए। अब ये था कि किसी दूसरे डॉक्टर से भी एक बार ही कंसल्ट करना ज़रूरी है। दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, दैट डॉक्टर लेडी वॉज ऑल्सो लाइक दैट कि हाँ ये आपका इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका है, आपको इसकी रेगुलर बेसिस पे ड्रेसिंग करनी होगी, अदरवाइज इट कैन लीड्स टू कैंसर और बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, आप जो है इस पे ध्यान दो और आप एक वैक्सीनेशन भी कैंसर का लगवा लो। अब मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो संगत जी जैसा होता है कि अभी न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ है तो आप अभी घर से बाहर भी नहीं निकलते हो, मंदिर भी अभी नहीं जाना आपको, आप 40 दिन से पहले नहीं इस तरीके से हो सकते हो। लेकिन मुझे ये था कि मुझे गुरुजी के दरबार पे जाना है मत्था टेकने के लिए। तो संगत जी रोज़ मैं सोचती थी कि आज गुरुजी के यहाँ जाऊँ आज जाऊँ, लेकिन गुरुजी के अपने टाइमिंग्स होते हैं बुलाने के। तो जिस दिन फाइनल हुआ गुरुजी के पास जाने का, मैं गुरुजी के दर पे गई, मैंने मत्था टेका और मैं उस टाइम बहुत शिकायतों के साथ भी जा रही थी गुरुजी के पास, लेकिन मेरी सिस्टर ने समझाया कि नहीं नहीं तू पहले ना शुक्राना कर गुरुजी का, तू बच्चे को लेके आई है सही सलामत और तू सही चल के भी आई है। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने बच्चे को भी सही रखा है, मुझे भी सही रखा है, अभी मेरे साथ क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन स्टिल जो है मैं अभी 40 दिन तो मतलब काफ़ी टाइम सर्वाइव कर ही चुकी हूँ। अब संगत जी मैंने बाद में हिसाब लगाया तो एग्जैक्टली 41 डेज पे मैं बड़े मंदिर गई, तो गुरुजी ने कैसे मुझे 41 डे पे ही अपने दर पे बुलाया, तो ये भी गुरुजी की ही अपनी लीला है। संगत जी अब मैं कुछ दिनों बाद एक सेकेंड डॉक्टर के पास गई ओपिनियन के लिए और मेरे लिए बहुत शौक था ये, क्योंकि डॉक्टर ने जैसे ही मुझे चेक किया उन्होंने बोला कि ये जो तो आपकी रिपोर्ट्स हैं इसके हिसाब से तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन।
तो मैंने कहा नहीं नहीं डॉक्टर, उन्होंने तो मुझे कहा था कि आपका इन्फेक्शन बढ़ चुका है, आपको कैंसर हो जाएगा, ये कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है, आप देखो ये करो वो करो। संगत जी, स्टिचेस जहाँ खुल गए थे वहाँ पे उसका कोई नामो निशान ही नहीं था, और जो कैंसर सिम्टम्स डेवलप हो रहे थे इन्फेक्शन से, वो इन्फेक्शन भी कैसे कहाँ चला गया नहीं पता चला। तो गुरुजी ने दोबारा से मुझे वो न्यू लाइफ दी, और मेरी सिस्टर के लिए भी बहुत हैरानी थी, क्योंकि मेरी सिस्टर ही रोज़ मेरी ड्रेसिंग एक तरीके से कर रही थी। उन्होंने भी उस दिन ऑब्जर्व किया कि हाँ, कल तक ये चीज़ कुछ और थी और आज कुछ और है। तो अनंतम शुक्राने गुरुजी के, कि गुरुजी ने इतनी मेहर करी, मतलब एक नई जिंदगी कैसे दी गुरुजी ने, वो उस टाइम पता चला। अब संगत जी, धीरे धीरे ये था कि हाँ, अभी हेल्थ इतनी इम्प्रूव नहीं हुई थी, लेकिन सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि ये कैंसर नहीं है, अब वैसा इन्फेक्शन नहीं है जो पहले था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने भी ये बात बोल दी है कि अब आपका कुछ भी इस तरीके से नहीं है। और बच्चे का जॉन्डिस लेकिन अभी ठीक नहीं हो पा रहा था, ऑलमोस्ट 1-2 महीने हो चुके थे, लेकिन वो भी अब गुरु जी के अपने टाइमिंग्स हैं। जब मेरा बेबी हॉस्पिटल में था, एवरी डे उसका 100 ग्राम वेट कम हो रहा था, तो मुझे ये भी था कि गुरुजी 100 ग्राम वेट एवरी डे कम होना, मतलब एक तरीके से अच्छे साइंस नहीं है। लेकिन गुरुजी के टेस्ट चलते रहते हैं, लेकिन वो संगत जी हाथ पकड़ के खुद ही हमें पार करवाते हैं, हम खुद से नहीं कर सकते हैं। टाइम बीतता गया, और फिर हम सबको पता है कि लॉकडाउन का टाइम पीरियड आ गया था, और बहुत वंडरफुल, बहुत अमेजिंग मेमोरीज मैंने अपने बच्चे के साथ करी। और आई थिंक जो भी उस टाइम पे न्यू पेरेंट्स बने होंगे, जिनकी भी डिलीवरी ड्यू थी उस कोरोना टाइम में, लॉकडाउन में, उनके लिए वो बेस्ट टाइम रहा होगा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। मैंने, मुझे लगता है जिनके भी बच्चे उस टाइम पैदा हुए, उन्होंने बहुत गौर से और बहुत गहराई से अपने बच्चों की डेवलपमेंट और ग्रोथ होते हुए देखी है, तो वो मैंने देखी, तो उसका भी अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मैं अब 2020 की तरफ आती हूँ। मुझे 7 जुलाई 2020 में गुरुजी का अगेन ड्रीम आता है, और उस दिन गुरुजी मुझसे सफ़ेद चादर मंगवाते हैं कि जा सफ़ेद चादर लेके आ। तो मैं बड़ा घबरा जाती हूँ, और ड्रीम में तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं ढूंढने लगती हूँ कि मैं कहाँ से वाइट चादर लेके आऊँ ये सब। लेकिन जैसे ही मैं उठती हूँ तो मुझे ये होता है कि गुरुजी ने मुझसे वाइट चादर मांगी, और मैं तो सपने में दे ही नहीं पाई उनको वाइट चादर, तो अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से उनको वाइट चादर दूँ, इसका क्या मतलब होता है, वाइट तो इट्स नॉट अ गुड कलर, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैं बड़ी परेशान थी, और उस टाइम पे मेरे पास जो भी एक वाइट चादर अवेलेबल थी, थोड़ी सी उस पर कलर्ड भी था थोड़ा सा, तो मैंने कहा गुरुजी ये मेरे पास चादर है, आपने मांगी थी, तो आपके चरणों के नीचे ही, मैं तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के नीचे ही रख दी थी वो चादर, कि मैं, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है क्या नहीं। अब ये बात मैं भूल गई थी कि ऐसा कुछ हुआ, गुरुजी ने मुझसे चादर मांगी, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता था। संगत जी, ऑल ऑफ द सडन जब लॉकडाउन से पहले भी एक टाइम ऐसा था मार्च का, जब सेकेंड वीक ऑफ मार्च चल रहा था 2020, तो उस टाइम पे मैं, जैसे आपको बताया कि मैं बड़े मंदिर एवरी वीक जाते ही थी, तो बेबी होने के बाद थोड़ा सा इररेगुलर हो गया था बड़े मंदिर जाना, लेकिन तब भी मुझे रहता था कि मुझे जाना है, लेकिन थोड़ा विंटर्स का टाइम आ गया था तो मैं अवॉइड ही करती थी। तो एक दिन मुझे 2020 मार्च में भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, और गुरुजी स्कूटर पे बैठ के आए थे, तो बहुत, और गुरुजी ने वाइट चोला पहना हुआ था, और गुरुजी ने स्पेक्स पहने हुए थे, बहुत स्लीक से स्पेक्स थे, और मैं साइकिल पे जा रही थी कहीं पे, तो गुरुजी ने, मैं साइड पे रुकी हुई थी, और गुरुजी ने मुझे बोला कि सुन, आज शाम ही ना तेनु मंदिर आना है, मैं तेनु मैसेज देवांगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं आऊंगी। अब मैं जागी तो मुझे ये था कि गुरुजी ने मुझे मंदिर बुलाया है, मैं तो काफ़ी मतलब टाइम से मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, तो अब मंदिर में कैसे जाऊँ। और संगत जी, उस टाइम टाइम पीरियड ऐसा चल रहा था कि कोरोना की न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी हमें, कैसे ऐसे कोरोना शुरू हो गया है, और उससे एक दिन पहले ही थर्सडे था जब मेरे जीजू की सेवा लगती है, लेकिन उनको सेवा में आने के लिए मना कर दिया था कि आज मंदिर बंद रहेगा, और मुझे फ्राइडे ये ड्रीम आया था।
तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये चीज कि थर्सडे मंदिर खुला नहीं, फ्राइडे गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि आज तेनू मंदिर आना है, मैं तेनू मैसेज देवांगा। तो मैं कैसे जाऊँ मंदिर, मंदिर तो बंद है। तो मैंने ग्रुप्स वगैरह में पूछना शुरू किया, मेरे जीजू सेवादार हैं तो मैंने उनको बोला आप किसी से कोऑर्डिनेट करके पूछो। उन्होंने कहा नहीं, मंदिर बंद है, ऐसे नहीं हो सकता ये वो। घर में बोले जा रही हूँ, वो कह रहे नहीं, ऐसे ही वहम होगा, ये होगा वो होगा। अभी भी सबको विश्वास नहीं आ रहा कि गुरुजी के दर्शन जो ड्रीम दर्शन होते हैं वो गुरुजी रियलिटी में ही आते हैं। मैं बड़ी परेशान, ऐसे करते करते मैंने शाम निकाल दी और मैंने अपनी सिस्टर को कुछ अराउंड 8 o'clock फोन किया। मैंने कहा मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हुआ है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा। संगत जी बाय चांस, वैसे तो नथिंग इज बाय चांस, लेकिन और मेरी सिस्टर वहां पे कुछ 2-3 किलोमीटर ही दूर थी मंदिर से। तो मेरी सिस्टर ने कहा मैं काम करती हूँ, मैं मंदिर देख के आती हूँ, अगर खुला हुआ तो तू आ जाइयो। अब संगत जी मेरे घर से जो रास्ता है बड़े मंदिर का, इट टेक्स अराउंड 1.5 आवर। तो मैंने कहा अगर मैं 8 बजे भी निकलती हूँ तो मैं 9:30 बजे से पहले नहीं पहुंच सकती, और मंदिर 9:45 बजे बंद हो जाता है। तो मैं कितनी भी जल्दी करूँ मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंच पाऊंगी, और अभी क्लैरिटी भी नहीं है कि मंदिर खुला है नहीं खुला। संगत जी मेरी सिस्टर दर्शन करके आती है और मेरी सिस्टर गाड़ी में बैठती है, मेरी सिस्टर बोलती है पूजा मंदिर खुला हुआ है। मैंने कहा मंदिर कैसे खुला हो सकता है, सब ग्रुप में तो मना कर रहे हैं, जीजू ने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता मैं दर्शन करके आई हूँ। और संगत जी हार्डली वहां पार्किंग में 5-6 गाड़ियां खड़ी हुई थी, और आप गुरु जी की लीला ये देखो कि जब मेरी सिस्टर ने गाड़ी पार्क करी उनके पीछे किसी और ने गाड़ी पार्क कर दी। तो जितनी देर वो मेरे से बात कर रही थी फोन पे या वीडियो कॉल कर रही थी तो वो इसीलिए कर पा रही थी क्योंकि पीछे किसी गाड़ी खड़ी है और वो गाड़ी नहीं हटा सकती। तो वहाँ सेवादार डांटने लग गए कि आप वीडियो कॉल मत करो, ये मत करो। नहीं तो मेरी सिस्टर ने कहा कि अंकल पीछे किसी गाड़ी खड़ी है तो आप हटाओ, गाड़ी हटवाओ। तो कह रहे हैं इतनी बड़ी जगह है, पता नहीं कौन गाड़ी खड़ी करके चला गया, ऐसे ये क्या बात होती है। तो कहीं ना कहीं सेवादारों को भी समझ में आ जाता है, तो बोलते हैं चलो आंटी आप ना जिनसे बात कर रहे हो ना उनसे बात करते रहो, हो सकता है गुरु जी को ब्लेसिंग पहुंचानी हो इसलिए पीछे गाड़ी खड़ी कर दी। ये तो संगत जी पार्किंग में से 4-5 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और मेरी सिस्टर के पीछे ही कोई गाड़ी खड़ा करके चला गया। तो इट वॉज मिरेकल ओनली, और इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग कि कैसे उन्होंने करा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी क्या मैसेज था मेरे लिए, और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लोगों के पीछे पड़ी रही कि मंदिर खुला है नहीं खुला, जब आपने मुझे बोला है कि मंदिर आ मैं तेनू मैसेज देना है तो मुझे मंदिर आना चाहिए था। तो गुरुजी मैं कल आऊंगी, मैंने गुरुजी को ये बात बोल दी। मैंने कहा अपना मुझे कल किसी भी हालत में मंदिर जाना है। तो अब वो डाउट ये था कि आज तो मंदिर खुला था, कल खुला होगा या नहीं खुला होगा, अब रिस्क था। तो मैंने घर पे बोला मुझे तो मंदिर जाना है, चाहे खुला हो ना खुला हो, मैंने बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई है, मुझे जाना है। अब संगत जी सैटरडे को हम नहीं जा पाए, संडे को भी प्लान कि चलो मंदिर चलते हैं, और मैं सबको साथ लेके चली कि चलो आज छुट्टी है सब चलो। संगत जी जैसे ही हम मंदिर में घुसे, कोविड का टाइम अभी शुरू हो ही गया था ऑलमोस्ट, और मंदिर में दर्शन इस तरीके से नहीं करने दे रहे थे, दरबार भी बंद था, बाहर ही स्वरूप लगाए हुए थे। हम जैसे ही हलवा प्रसाद और चाय लेके बाहर आते हैं तो जो सिक्योरिटी में सेवादार होते हैं वो एकदम अनाउंस करते हैं कि संगत जी आप जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं या जो भी हैं आप प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर देना कि कल से मंदिर नहीं खुलेगा। और संगत जी ये जैसे ही मैं सुनती हूँ मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ कि गुरुजी ने मेरे लिए 3 दिन तक मंदिर खोल के रखा, क्योंकि गुरुजी को पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग देनी थी मुझे और मेरे साथ साथ पूरी फैमिली को। और अभी ये आंटी बोल रही है कि कल से मंदिर नहीं खुलेगा, आज ही मंदिर खुला है। और संगत जी उसके बाद तो हम सबको पता है कि कैसे लॉकडाउन हुआ, कैसे पूरा टाइम पीरियड गया और मंदिर अक्टूबर तक नहीं खुला। तो बहुत अनंतम शुक्राने, गुरु जी ने शायद ब्लेसिंग्स ही देनी थी तभी गुरु जी ने बुलाया था। और संगत जी आप सबके लिए मैसेज है कि अगर गुरु जी ड्रीम में आकर कुछ भी मैसेज दे के जाते हैं तो उसमें कोई इफ बट नहीं करना, किसी सेवादार या किसी से नहीं पूछना है, हमें सिर्फ गुरु जी पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि गुरु जी की कही हुई बात एक पत्थर की लकीर है। अगर गुरु जी ने बोला है मंदिर आना है तो मंदिर जाना है, और मंदिर खुला है क्योंकि तभी गुरु जी बुला रहे हैं। अगर नहीं भी खुला है तो गुरु जी ने कुछ ना कुछ कल्याण जरूर करना है।
संगत जी मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मेरे रब ने मुझे बुलाया स्पेशली कि तू आ और ये ब्लेसिंग लेके जा, क्योंकि अगले 6-7 महीने तक मंदिर नहीं खुलेगा तो तुझे मुझे मेडिसिन देनी है। तो बहुत अनंतम शुक्राने गुरु जी के, और फिर तो गुरु जी के ड्रीम में दर्शन शुरू ही हो गए एक तरीके से। संगत जी यहाँ पे मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेवादार ने, जिन्होंने मेरे बच्चे का नाम रखा और मुझे बताया, फिर उन्होंने ये भी बोला कि तू मंदिर ना आई हूं, तो वो भी मुझे बाद में क्लियर हुआ कि वो अंकल से मैंने पूछा कि आपने मुझे ये क्यों कहा था कि मंदिर मत आई हो, क्योंकि मुझे ना बार बार गुरु जी बोल रहे थे कि अब इसको बोलो कि मैं कल इसकी डिलीवरी होने वाली है, तो इसको ना अब बच्चे के साथ ही मंदिर आना है, दोबारा ना आए मंदिर, अब बच्चे के साथ ही इसको मैं बुलाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अब संगत जी एक ही सेवादार से ना मुझे 2 बार मैसेज मिल गए थे, तो क्या हो जाता है कि मैं अब जब मैं मंदिर जाती थी ना तो मुझे अंदर क्यूरियोसिटी होती थी कि मुझे ना उन अंकल से मिलना है क्योंकि वो मुझे मैसेज देंगे। तो ये मैं आप सबको भी ये समझाना चाहती हूँ कि मुझे इससे क्या समझ में आया और गुरुजी ने मुझे क्या सिखाया। तो मैं अब जब भी मंदिर जाती थी ना मुझे होता था वो अंकल कहाँ है, वो मुझे मैसेज देंगे। तो मुझे कई बार घर वाले बड़े डांटते थे कि तू पागल है, उन अंकल के पीछे मंदिर आती है या गुरुजी के पीछे आती है। तो मैंने कहा नहीं, वो मुझे मैसेज देते हैं गुरुजी के, गुरुजी उनको बताते हैं। तो तब तक भी मुझे ये समझ में नहीं आया था कि गुरुजी मुझे भी मैसेज दे ही रहे हैं सपने में आकर, तो मैं अंकल के पीछे क्यों पागल हो रही हूँ। लेकिन मुझे था कि नहीं नहीं वो मुझे ना डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देते हैं डायरेक्टली, तो मुझे मतलब जो है अंकल से मिलना है। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि मुझे अंकल मिले ही नहीं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत तेज बारिश आ रही थी, बहुत तेज, और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आज थर्सडे है, मुझे मंदिर आना है। ये करीबन संगत जी बात है दिसंबर 2019 की, तब मेरा बेटा अभी 2 महीने का हो चुका था। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बहुत कम मंदिर जाती थी, लेकिन तब भी मेरा मन करता रहता था कि मैं जाऊँ। तो उस दिन मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि आज मुझे मंदिर जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर बारिश रुक गई तो मैं तुझे मंदिर ले जाऊंगी। संगत जी बारिश रुक गई, हम 7:30 के अराउंड मंदिर के लिए निकले, और जैसे ही हम 2-3 किलोमीटर आगे पहुंचे संगत जी, इतनी तेज बारिश कि मतलब मैंने उससे तेज बारिश आज तक नहीं देखी। हमें आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था कि क्या आगे है, कुछ पता नहीं चल रहा था। और बड़े मंदिर में जाते हुए जो रोड है वहां पे, जो पहाड़ी एरिया आता है, वो भी काफी सुनसान सा आता है। मेरी सिस्टर फिर परेशान के भाई पहले तो तेरी प्रेगनेंसी में मैं इतना डरती थी, अब बच्चे के साथ है तो मुझे उसमें भी डर लगने लग गया है कि मैं कैसे इस चीज को टैकल करूं। संगत जी हम मंदिर के वहां पहुंचे, और आप ये देखो मेरी मोटी बुद्धि, मैं अम्ब्रेला साथ में लेके आई थी, और मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि आप ना दरवाजा पकड़ो, मैं बच्चे को उठाती हूँ, अम्ब्रेला पकड़ती हूँ, अंदर चल पड़ते हैं। मेरी सिस्टर बोले तुझे पता है तू क्या कर रही है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। संगत जी एक सेवादार आए और उन्होंने मुझे इतनी तेज डांटा कि आंटी आपका दिमाग खराब हो गया है, आप इतनी बारिश में छोटे बच्चे को ले आए और आप अंदर जा रहे हो, आपको पता है कितनी तेज बारिश हो रही है, आप चुपचाप अंदर बैठ जाओ। तो मेरी सिस्टर भी ऐसे मुंह झुकाकर और अम्ब्रेला लेके चली गई और मैं अंदर बैठ गई। तो मैंने कहा गुरुजी आपने यहाँ तक बुलाया है, और जब घर से निकलने वाले थे तब आपने बारिश बंद करा दी थी, अब यहाँ तक बुलाया तो क्या अंदर नहीं बुलाओगे? तब भी मेरे दिमाग में चल रहा है क्या मैं उन अंकल से नहीं मिल पाऊंगी, फिर मुझे मैसेज कैसे मिलेगा मैं अंकल से नहीं मिल पाऊंगी। तो यही चीज होती रही। 9 बज गए, 9:30 बज गए, 9:45 हो गए और बारिश बंद ही नहीं हो रही है। मुझे था कि अरे अब तो मुझे ना घर जाके खाना खाना पड़ेगा, मेरे तो आज लंगर भी मेरे नसीब में नहीं है। संगत जी 9:55 पे बारिश रुक जाती है और मैं सोचती हूँ अब मैं क्या करूँ, मैं गाड़ी से उतरू ना उतरू। और संगत जी इतनी तेज बारिश थी कि मैं गाड़ी के शीशे से जब देख रही थी तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि पानी बहुत ऊपर तक भरा हुआ है, मैं बच्चे को लेके कैसे जाऊंगी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं मुझे मंदिर के अंदर जाना है। मेरी जिद थी या जो भी था, गुरुजी को कुछ समझाना था। मैं गाड़ी से उतरी और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं श्री कृष्ण को उठा के ऐसे वासुदेव बनी हुई हूँ और मैं लेके जा रही हूँ। आसपास सब मुझे देख रहे कि पागल हो गई है ये, इतने छोटे से बच्चे को, न्यू बॉर्न को, और हवा भी चल रही है, दिसंबर का टाइम है, और कैसे बच्चे को लेके जा रही है इतने पानी में सब कुछ। और मैं जैसे ही थोड़े से आगे बढ़ती हूँ मैं सोचती हूँ आगे मैं नहीं जा सकती क्योंकि बहुत पानी भरा हुआ है और पार्किंग में पूरे कीचड़ है, तो मैं पीछे भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि अब सारी गाड़ियाँ एक दूसरे से ऐसे चिपक के खड़ी हुई हैं, तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ।
मैं किसी तरीके से जय गुरु जी बोलते बोलते आगे बढ़ती हूँ, और मैं देखती हूँ कि 10 बज गए हैं, मंदिर का गेट बंद हो गया है। मैंने कहा गुरु जी मैं वापस कैसे जाऊंगी, बहुत मुश्किल है वापस जाना मेरे लिए, मैंने बहुत मेहनत कर करके यहाँ पे मैं आई हूँ। संगत जी एकदम से दो सेवादार खड़े होते हैं बाहर गेट के, और वो बोलते हैं कोई है संगत जो अभी भी मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, और मैं एकदम हाथ उठाती हूँ और कहते हैं आओ आंटी आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ। तो मैं जैसे ही अंदर घुसती हूँ तो सेवादार कहते हैं कि आंटी हमने तो कारपेट सारे हटा दिए हैं और जो फ्लोर है वो तो बहुत गीला है, आप कहीं फिसल जाओगे ऐसे। तो मैंने कहा नहीं अंकल मैं स्लो स्लो जाती हूँ। संगत जी मैं जैसे ही मंदिर के अंदर घुसी मैंने देखा कि रेड कारपेट बिछा हुआ है और ड्राई वाला, ये नहीं है कि बारिश हुई है उस पर तो गीला है, नहीं वो बिल्कुल सूखा हुआ रेड कारपेट है जैसे गुरुजी ने उसी टाइम मेरे लिए बिछाया है। तो मेरे पीछे एक सेवादार आ रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि अभी तक कारपेट नहीं उठाया, कारपेट तो उठा दिए थे, ये किसने बिछा दिए, दोबारा से क्यों बिछाए, अब कल बिछाएंगे, ये तो नीचे से फिर गीले हो जाएंगे। तो मुझे समझ में आ जाता है कि कारपेट तो भाई मेरे रब ने मेरे लिए बिछाए हैं ताकि मैं फिसलू ना बच्चे के साथ। मैं एकदम लंगर हॉल में पहुंचती हूँ और मेरी नजरें अंकल को ढूंढ रही होती हैं। तो तब तक दरबार तो बंद हो चुका होता है, समाधि भी बंद हुई होती है, तो दर्शन तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं लंगर खा लेती हूँ। तो संगत जी थोड़े टाइम बाद मुझे ये चीज समझ में आती है कि हम दूसरे लोगों के पीछे भागते हैं कि वो गुरुजी से बात करते हैं, या वो गुरुजी का मैसेज मुझे दे देंगे, या गुरुजी उनके सपने में आते हैं, या गुरुजी के वो बहुत निराले हैं कि वो गुरुजी की संगत हैं तो हमें उनसे मैसेज मिल सकता है। हम बहुत संगत को पूछते हैं कि आपसे गुरुजी बात करते हैं आप बताओ ना इसका क्या मतलब होगा, अच्छा मेरी लाइफ में ये आप गुरुजी से पूछो क्या होगा। तो मेरे साथ भी ऐसी चीज़ चल रही थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि जब तू उस अंकल से मिलने आई है तो फिर तू मेरे दर्शन थोड़ी कर पाएगी। तो इसलिए गुरुजी ने मुझे 10 बजे तक बाहर ही रखा। और लेकिन गुरुजी हमारे बहुत दयालु हैं, हमारे बख्शनहार हैं, हमें बहुत माफ़ करते हैं चीज़ों में। तो गुरुजी ने मुझे लंगर तो चखवा ही दिया, लेकिन गुरुजी ने मुझे समझाया कि भीड़ के पीछे नहीं भागना है, मैं साक्षात तुम्हारे पास हूँ, मुझसे बात करो, मुझसे मैसेज लो, डायरेक्ट कनेक्शन मेरे साथ लो। ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी ने अगर एक संगत के थ्रू मेरे बेटे का नाम रखवाया है या एक संगत को कोई मैसेज दिया है तो गुरुजी हर बार उन्हीं को मैसेज देंगे, नहीं। गुरुजी किसी भी संगत के रूप में आ सकते हैं, गुरुजी साक्षात खुद भी आ सकते हैं, गुरुजी को जो मैसेज देना है वो अपने आप देंगे। तो ये मैं काफ़ी संगत को भी बताना चाहती हूँ कि हमें किसी भी संगत के पीछे या किसी के पीछे नहीं भागना है, हमें रब के पीछे भागना है। और रब हमारा हमारे साथ अपने आप सरेंडर क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है, वो हम अपने आप हमारा रब हमें दिखाएगा। हमें किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोटी, किसी की मृत्यु, जन्म, ये तीनों चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, ये कभी भी किसी भी टाइम हो सकती है। और ये तो हमें ये पैंडेमिक सिचुएशन सिखा ही चुकी है कि कितने लोगों की जॉब छूटी, कितने लोगों को हमने अपनों को भी खोया, कैसे रोज़ डेथ होती थी और सांस सांस के लिए हम तड़प रहे थे। कभी हमने सोचा नहीं था कि ऑक्सीजन के लिए भी कोई तड़प रहा होगा, लेकिन हमने ये तड़पते हुए देखा है। तो गुरुजी ने बहुत बड़ी शिक्षा दी है, और साथ ही साथ गुरुजी ने ये भी समझाया, क्योंकि जब कोरोना शुरू हुआ था तो काफ़ी सारे सेवादार थे उनको भी अपनी जान खोनी पड़ी थी। तो बहुत लोग और मेरे दिमाग में भी चलता था कि अरे ये तो गुरुजी की संगत है, इनको कैसे कुछ हो सकता है। लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे ये चीज़ समझाई कि जब मैं भी फिजिकल फॉर्म में था मुझे भी चोला छोड़ना पड़ा, जब मैं उस शरीर में नहीं रहा तो तुम अमल थोड़ी हो जाओगे मुझसे जुड़ने के बाद। तो ये भी बहुत ज़रूरी मैसेज है जो गुरुजी आज कह रहे हैं कि मैं सबसे शेयर करूँ। तो गुरुजी के साथ जुड़ने में प्रॉब्लम्स आएंगी, अप एंड डाउन्स होंगे, लाइफ बहुत डिफिकल्ट भी होगी, लेकिन गुरुजी किस तरीके से पार कराएंगे वो हमें भी नहीं पता है। और सिर्फ गुरुजी पे विश्वास करना है, गुरुजी की रजा में राजी रहना है, क्योंकि गुरुजी एक तरीके से जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं या गुरुजी जब हमारी बाह पकड़ते हैं तो पीछे मुड़ने के लिए गुरुजी मना करते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत डामाडोल होते हैं कि हमारी झोली यहाँ से नहीं भर रही, या गुरुजी पता नहीं सुन रहे नहीं सुन रहे, या जो हम मांग रहे हैं हमें दे नहीं रहे हैं। संगत जी वो गुरुजी का तरीका है हर कष्ट को काटने का, कर्म को काटने का। गुरुजी कहते थे कि 90% मैं ले लेता हूँ, 10% तुम्हें काटना है ताकि तुम्हारा अगला जन्म सिक्योर रहे। और वो हम नहीं समझ पाते हैं, हमें लगता है हमें वो 10% भी बहुत मुश्किल लगता है।
और संगत जी अगर लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आए, कभी भी आपको लगे कि कभी सुसाइडल टेंडेंसीज हो रही हैं या कभी हम हार चुके हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो संगत जी वो इसीलिए हो रहा है कि गुरु जी को कर्म काटने हैं और गुरु जी अपने प्यारे जो बच्चे हैं वो उन्हीं को चुनते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, जो उस चीज़ को झेल सकते हैं। नहीं तो कितने सारे लोग हैं उनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हम लोगों के साथ होती है। तो कहीं ना कहीं गुरु जी हमें मानते हैं कि हम इससे निकल जाएंगे, और ताकि हम दूसरों को भी मैसेज दे सकें, हम दूसरे भी संगत को इस तरीके से जोड़ सकें, क्योंकि फेथ, बिलीव, सरेंडर ये सब गुरु जी करवाते हैं, हम कुछ भी नहीं है। तो बहुत अनंतम शुक्राने गुरु जी के कि गुरु जी ने मुझे ये सब सिखाया। साथ ही साथ गुरुजी ने मुझे मेरी प्रेगनेंसी में शिव पुराण मैं सुनती थी, यूट्यूब पे देखती थी, तो वहाँ से बहुत चीज़ें समझ में आई मुझे कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं और भगवान को भी कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। इसी बात पे मुझे ये भी चीज़ याद आई, एक अभी थोड़े दिन पहले मैं एक साखी पढ़ रही थी, तो उसमें ये था कि भगवान से किसी ने पूछा श्री राम से कि आपने आप तो भगवान थे, आपने कैसे लंका पार जब करनी थी तो पत्थर पे नाम लिखवा कर फेंकवाए, आप तो सीधा पुल बना देते, आप तो उड़ा के ले जाते। तो श्री राम ने बहुत अच्छा एक जवाब दिया जो हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि मुझे यहाँ पे नाम की ताकत बनानी थी, मैं करने को कुछ भी कर सकता था, लेकिन जो मेरा नाम है, अगर मेरे नाम की ताकत ही मेरे संगतों को नहीं समझ में आएगी तो फिर कैसे चलेगा। तो संगत जी हमें नाम की ताकत समझनी चाहिए कि एक पत्थर पे लिखा हुआ राम भी कैसे उस पुल बना देते हैं वो, और वो पत्थर डूबता नहीं है। तो हमारे पास तो गुरुजी का मंत्र जाप है, गुरुजी साक्षात हमारे सामने हैं, हमें तो उनका नाम हर पल जपना चाहिए, और नाम की बहुत ताकत है, ये भी गुरुजी ने बताया। संगत जी आगे थोड़ा सा बढ़ूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, काफ़ी टाइम हो चुका है, एक दो सत्संग और शेयर करूंगी। एक सत्संग मेरा बहुत रिसेंटली वाला है, जब मुझे अभी 2021 में कोविड हुआ था और मैं बहुत डर गई थी कि मुझे कोविड हो गया है, अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि बच्चा मेरे पास ही रहता है तो एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है माँ से इस तरीके से जुदा रहना। तो जब मुझे कोविड डिटेक्ट हुआ तो एक दो दिन तक तो मैं बहुत परेशान रही, लेकिन फिर मुझे हुआ कि नहीं, मेरे लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अब रेगुलर बेसिस पे गुरुजी के 24 घंटे सत्संग सुन सकती हूँ, अपने गुरु का नाम ले सकती हूँ, शब्द सुन सकती हूँ। तो मेरा आइसोलेटेड जो टाइम था वो इसमें बीता। एकदम से मुझे एक दिन गुरुजी ने जो है दर्शन दिए, दर्शन से पहले मेरे साथ जो है कोविड के कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, मेरी बॉडी में लम्स हो गए थे मेरी बैक पे, और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्हें लगा था कि ये कोविड के कुछ सिम्टम्स हैं, अभी आपका कोविड ठीक नहीं हुआ है, आपको अभी आराम की ज़रूरत है, और ये लम्स पड़ना अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी थी, लेकिन मुझे मेडिसिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मेरा रिपोर्ट में तो कोविड नेगेटिव आ गया था विद इन 1 वीक, लेकिन फिर भी मुझे था कि लम्स क्या हो रहे हैं, और डॉक्टर ने भी कहा था कि अभी आपका कोविड ठीक नहीं हुआ है, रिपोर्ट्स में ऐसे ही आ गया है, ये कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं कुछ। तो मैं गुरुजी से तो बात कर ही रही थी कि गुरुजी अब ये क्या नए प्रॉब्लम आ गई है क्या नहीं। संगत जी मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, और सामने मेरे ड्रीम में शीशा था और गुरुजी मेरे पीछे थे, जैसे अभी गुरुजी पीछे हैं। तो गुरुजी ने मुझे कस के ऐसे मेरी कमर को पकड़ लिया और मैं बिल्कुल ऐसे स्लिम हो गई। तो मैं शीशे में देख रही हूँ और गुरुजी पीछे हैं, मैंने कहा गुरुजी मैं तो बहुत पतली हो गई हूँ, आपने तो मुझे पतला कर दिया है। और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं और गुरुजी ने मुझे कहा कि चल हुण ना मैनू तू कथक करके दिखा। तो संगत जी जब मैं स्कूल डेज में थी देन एट दैट टाइम आई यूज टू डू कथक, तो मैं बहुत वो मुद्राएं और जैसे पैरों से टैप करना ये सब सपने में कर रही हूँ सारा कुछ। तो जब मैं जागती हूँ तो मैंने कहा कि गुरुजी ने मुझे सपने में पतला कर दिया था, मैं तो अभी भी वैसी की वैसी ही हूँ, लेकिन सपने में मैं बहुत स्लिम ट्रिम थी, गुरुजी ने मुझे पूरा प्रेस करके इस तरीके से एक जप्फी पा के मुझे ऐसे किया। जैसे मैं अपनी मेडिसिन लगाने लगी शाम को, मुझे रियलाइज हुआ मेरा तो लम है ही नहीं जो मेरा लम था। तो मैंने घर में सबको बताया कि देखो मेरा कल कितना भयंकर था, और संगत जी वो इतना भयंकर लम बन चुका था, इतना मोटा कि मुझसे साइड भी नहीं ली जाती थी, मैं सो भी नहीं पाती थी, मैं लेट भी नहीं पाती थी, मैं चल भी नहीं पाती थी, मैं बैठ भी नहीं पाती थी, मेरे साथ ऐसा हो गया था, मतलब वो इतना पेनफुल था बहुत ज़्यादा।
तो लेकिन गुरुजी ने सपने में आकर मुझे मेरी दवाई दे दी, मुझे नचा दिया, मेरा एक पूरा एक्सरे कर दिया। जैसे गुरुजी कहते थे मैं पूरा स्कैन कर देता हूँ जब मैं किसी को नाचने के लिए बोलता हूँ। तो मुझे नेक्स्ट डे इस चीज की रियलाइजेशन हुई कि गुरुजी ने मुझे सपने में नचवाया और गुरुजी ने मेरा स्कैन किया, गुरुजी ने मुझे क्योर किया। मेरा लम कहाँ चला गया मुझे मतलब सच में पता ही नहीं चला। तो बहुत अनंतम शुक्राने गुरुजी के कि गुरुजी कैसे, मतलब हम ये सोचें कि गुरुजी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो हमारे कल्याण नहीं होंगे, ओल्ड संगत बहुत लकी है। तो संगत जी ऐसा नहीं है, ओल्ड संगत खुद ये बात कहती है कि हमें पता ही नहीं था कि वो रब है। नई संगत हमारे लिए तो ये बहुत ज्यादा एक एडवांटेज की बात है कि हमें तो पता ही ये रब है, और तब भी हम उस रब के सामने अपनी अरदास, अपनी ख्वाहिशें और जो बात करनी है वो नहीं कर पाते हैं। तो बहुत अनंतम शुक्राने गुरु जी के, बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जो अगर मैं करने अभी बैठूं तो आई थिंक 2 या 3 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि एवरी आवर गुरु जी सत्संग देते हैं। और आज मैं अगर जिंदा हूँ तो गुरु जी की ही वजह से हूँ। इस चीज को थोड़ा सा कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं यहाँ वाइंड अप करूंगी। तो जब मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने मुझसे ड्रीम में व्हाइट चादर मांगी थी, ऐसे ही गुरुजी ने अभी जनवरी 2021 में अगेन मुझे ड्रीम में दिखाया कि गुरुजी मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं मेरे साथ और उनके सीट पे व्हाइट चादर बिछी हुई है। तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ जब मैं ये देखती हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि मैं गुरुजी के साथ ट्रैवल कर रही हूँ तो सामने नीचे ही फ्लोर पे कोई लेटा भी हुआ है। तो जब मैं जागती हूँ तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ कि पता नहीं वो सामने कौन लेटा हुआ था, और मैं जो है गुरुजी अगेन मुझे व्हाइट चद्दर पे दिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है क्या नहीं, मैं बहुत डर जाती हूँ। तो मुझे ये होता है कि मुझे ना व्हाइट चद्दर अब ना प्लेन मंगवानी चाहिए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 7 to 8 months हो चुके हैं मैंने गुरुजी को वो व्हाइट चद्दर ऑफर की थी जो प्लेन नहीं थी, लेकिन अभी मुझे गुरुजी प्लेन चद्दर पे बैठे हुए दिखे हैं। तो मुझे समझ में कहीं ना कहीं आ रहा है कि गुरुजी को, मुझे गुरुजी का स्वरूप उस चद्दर के ऊपर रखना है। संगत जी मैंने व्हाइट चद्दर ऑर्डर करी, व्हाइट चद्दर आई, अब मैंने फोल्ड करके गुरुजी के स्वरूप के नीचे रख दी, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी कि मुझे ऐसे रखनी है नहीं रखनी, क्या करना है क्या नहीं। तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी, और उस टाइम पे ऐसा था कि मैंने जूम पे भी सत्संग शेयर करने शुरू कर दिए थे, मैं एक ग्रुप से ज्वाइन हो गई थी जहां मैं अपने सत्संग शेयर कर रही थी। तो जब मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया कि गुरुजी मुझे ऐसे दर्शन दिए हैं, एकदम से एक आंटी अनम्यूट हुई और वो अपना सत्संग सुनाने लगी, और उन्होंने कहा आंटी मुझसे भी गुरुजी ने व्हाइट चादर मांगी थी और गुरुजी ने मुझे बोला था कि 3 फोल्ड कर दे उसको, तो आप अगर आपको अभी तक कुछ चेंज नहीं लगा है तो आप एक बार 3 फोल्ड करके देख लो। मुझे नहीं पता, क्योंकि वो आंटी पहली बार ही ज्वाइन हुई थी, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि आज मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, लेकिन आप देख लो, आप अगर आपको करना है तो आप कर लो। संगत जी मैं उसी टाइम उठी और मैंने व्हाइट चादर वो उठाई और मैंने 3 फोल्ड करके अगेन गुरुजी के चरणों के वहां पास में, मतलब गुरुजी के स्वरूप के नीचे रख दी। संगत जी थोड़ी देर बाद मुझे बहुत तेज एक आवाज आती है कुछ टूटने की, और मैं डर जाती हूँ कि पता नहीं क्या आवाज आई है। मैं घर में सारा ढूंढने लग जाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। तो मैं एक रूम जो बंद होता है मैं उसको खोलती हूँ, तो वहां मुझे एक फोटो फ्रेम गिरा हुआ दिखता है। अब वो फोटो फ्रेम उल्टा गिरा हुआ था, तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ कि पता नहीं किसकी फोटो है, किसी और की फोटो ना हो। गुरुजी फोटो टूटना, शीशा टूटना अच्छी बात नहीं होती है, वो सारी चीजें। मैंने जैसे ही उठाया तो वो मेरी फोटो थी। संगत जी आई गॉट ऑल माई आंसर्स के गुरुजी ने 3 फोल्ड करवाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम नेगेटिव सोचते हैं कि फोटो टूटना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन संगत जी वो जो फोटो फ्रेम टूटा, उसके शीशे जो फ्रेम का शीशा था वो इतने छोटे छोटे माइन्यूट उसमें टूटा कि उनको इकट्ठा करना मुश्किल था। और मैंने ये सत्संग सुना हुआ है कि गुरुजी जब शीशा टूटता है तो कल्याण करते हैं, और अगर किसी की फोटो टूटी हुई हो तो उसको लाइव ब्लेस करते हैं। तो मैं तो अगेन मेरी आंखों में आंसू कि मेरे रब ने मुझे लाइव ब्लेस करी है, मेरा रब मुझसे पिछले 7-8 महीने से सफेद चद्दर मांग रहा है कि ले क्या ले क्या ले क्या। तो वो पता नहीं मेरे लिए थी या क्या थी, और आज जब आंटी के कहने पे मैंने 3 फोल्ड कर दिए तो अचानक से मेरी फोटो भी टूट गई।
तो मुझे आई गॉट माई आंसर, और फिर मैं एकदम फ्लैश बैक में चली गई कि कैसे 4 हीमोग्लोबिन क्योर किया और सब हुआ. इनफैक्ट उसी दिन मैं सदा ठाकुर आंटी जो हैं, सिंगर जो हैं बड़े मंदिर में जो गाती हैं, उनका मैंने सत्संग सुना. और संगत जी ट्रस्ट मी, गुरु जी कहते हैं कि आप किसी का भी सत्संग सुनते हो तो वो उनकी मर्जी से सुनते हो. आप ऐसे ही किसी का भी सत्संग नहीं सुन सकते हो, आपको बहुत सारे जवाब किसी के सत्संग से मिलते हैं जो गुरु जी को सुनवाने हैं. तो मैं एक दिन उनका सत्संग सुन रही थी और सदा आंटी ने बोला मेरा ना एक बार हीमोग्लोबिन 4 हो गया था. संगत जी मेरे कान खड़े हो गए कि आंटी क्या कह रही है, 4 हीमोग्लोबिन हो गया था इनका. और आंटी ने बताया कि मैं ना मंदिर में सेवा करती थी, अचानक से मैं बेहोश हो गई, मेरा 4 हीमोग्लोबिन हो गया, डॉक्टर ने बहुत डरा दिया. तो सेवा करते करते आंटी को एक और आंटी मिली और उन्होंने बताया कि उनके फादर इन लॉ को जो है उनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया है, क्योंकि उनका जो हीमोग्लोबिन है वो 5 चला गया. तो सदा आंटी को उस टाइम समझ में आया कि जिन अंकल का 5 हीमोग्लोबिन है उनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया है, और सदा आंटी का 4 है जिनको कुछ भी नहीं हुआ. तो सदा आंटी ने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आपने बता दिया कि आप कैसे कल्याण करते हो, आंटी के थ्रू भी बता दिया कि कैसे 5 हीमोग्लोबिन वाले की क्या हालत होती है और 4 वाले को आपने कैसे ब्लेस किया हुआ है. संगत जी मैंने जैसे ही ये सत्संग सुना मैं इतनी इमोशनल हो गई और आई गॉट ऑल माई आंसर्स. मैं बिल्कुल उस टाइम फ्लैशबैक पे चली गई थी कि मेरा 4 था, मुझे कैंसर सिम्टम्स डिटेक्ट हुए थे, मेरे स्टिचेस खुल गए थे, मैं गुरुजी बार बार मुझे ड्रीम में आकर वाइट चद्दर मांग रहे थे, गुरुजी ने कैसे मेरा कल्याण किया, मुझे लाइफ ब्लेस करी, मतलब सब इतना अच्छा चलने लग गया कि मतलब अच्छा इस तरीके से कि गुरुजी की कृपा इतनी होने लगी कि मैं जो एक फेस में जा रही थी वो फेस की तरफ मैंने इतना सोचना नहीं वो किया था जितना मैं ब्लेसिंग्स काउंट कर रही थी अपनी. तो बहुत अनंतम शुक्राने गुरुजी के, इतने शुक्राने गुरुजी ऐसी कृपा सब पे बनाए रखो. संगत जी बस मेरा यही मैसेज है आप सबसे कि हमें संतों के पीछे या किसी के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने रब की बांह पकड़नी है. हमारा रब ही हमें कल्याण कराएगा, हमारा रब ही एक तरीके सरबत का भला करता है. आप शब्द गुरबानी सुनो, अगर शब्द, क्योंकि मैं एक पंजाबी हूँ, बहुत गुरुद्वारे वगैरह जाती थी, शब्द सुनती थी लेकिन समझ में नहीं आते थे. अब गुरुजी ने ऐसी लत लगा दी है कि मैं अब शब्द के साथ साथ उनकी व्याख्या भी सुनती हूँ. और मैंने अभी कुछ दिन पहले व्याख्या नोट करने लग गई थी मैं, तो मुझे नहीं पता गुरुजी ऐसा क्यों करवा रहे थे, लेकिन मैं कुछ कुछ लाइन्स नोट कर लेती थी. तो अभी एक हफ्ता पहले गुरुजी ने मुझे अरदास सेवा दी थी जूम प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे तब मैंने वो जो लाइंस लिखी थी मैंने वो पढ़ी और मैंने वहां भी शुक्राना किया कि कैसे गुरुजी ने मुझसे ये लाइंस लिखवाई. और गुरुजी को पहले ही पता होता है कि गुरुजी क्या करवा रहे हैं क्या नहीं, हमें नहीं पता होता, हम दिमाग लगाते हैं बहुत ये क्यों हुआ वो कैसे हुआ, लेकिन टाइम आने पर गुरुजी वो सब दिखा देते हैं. तो बहुत शुक्राने गुरुजी के, बहुत बहुत शुक्राने अंजलि आंटी, बहुत बहुत शुक्राने सपना आंटी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं गुरुजी की वड्याई कर सकूं. गुरुजी का बहुत शुक्राना, गुरुजी ने शुक्राना शब्द का मतलब हमें सिखाया. तो गुरुजी हर सांस में हम आपका शुक्राना करते रहें. सबसे ज्यादा गुरुजी ने सिखाया कि दुख की घड़ी में शुक्राना करना है. तो गुरुजी जो देते हैं उसमें तो हम शुक्राने करते ही करते हैं कि हाँ भाई हमारी मौजा है, गुरुजी हमें दे रहे हैं तो शुक्राना करें. लेकिन संगत जी मैं ये कहूंगी कि गुरुजी जो चीज हमें नहीं देते हैं उसमें भी हमें शुक्राना करना है. और कई बार अगर कुछ दे के ले लेते हैं तो वो हमारा इम्तिहान होता है, वो हमारा टेस्ट होता है. और उसमें हमें गुरुजी से हाथ जोड़ के यही बोलना है कि गुरुजी हमारे परम पिता आप प्लीज हमारा हाथ पकड़ के, हमारी बांह पकड़ के हमें इस टेस्ट से पास करवाओ. बहुत हर्डल्स आती हैं लाइफ में संगत जी, बहुत बार ऐसा लगता है कि हम अब नहीं रह सकते हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमें हार नहीं माननी है और वो हिम्मत भी हमें गुरुजी ही देंगे. तो बस गुरुजी से यही बार बार बोलना है कि गुरुजी आप हाथ पकड़ो, हमें अपनी गोदी में बिठा के रखो, क्योंकि गुरुजी गोदी में बिठा कर ही हमें पार करवाते हैं. जैसे एक टीचर होती है वो हर
बार अपने क्लास में हर स्टूडेंट को इक्वली देखती है और उनके साथ बहुत मेहनत करती है, लेकिन जब टेस्ट आता है तो स्टूडेंट को अलग अपने हिसाब से परफॉर्मेंस देनी उसकी है, तब नहीं टीचर हेल्प कर सकती। लेकिन हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि वो उस टेस्ट में भी हमें पार करवाते हैं। बस हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारी झोली इस दरबार से या इस रब से नहीं भरी ना संगत जी, तो हमारी वो झोली किसी से नहीं भर सकती है, चाहे हम किसी भी राह पे चले जाएं। और उस राह पे जाने पे हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें बस गुरुजी के ही चरणों में रहना है, गुरुजी पे ही विश्वास करना है। कुंडली में क्या लिखा है, एस्ट्रोलॉजर्स क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, एक कान से सुन के दूसरे से हमें निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ रही है कि टैरो रीडिंग हो रही है, न्यूमरोलॉजी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सच नहीं है, वो हमारे एक तरीके से पिछले जन्मों के कुछ कर्म या प्लैनेटरी पोजिशन के हिसाब से हमारी कुंडली बनी होती है, लेकिन इट कैन बी चेंज्ड। हमारी डेस्टिनी जो है वो गुरुजी के हाथ में है। कहते हैं ना कि सानू पता है तू बदल सकता है सारे हत्था दी लकीरां नू, साढ़े मत्थे दी लकीरां नू, और ये है, फैक्ट है। मेरी एस्ट्रोलॉजी, मेरे कुंडली में भी ये चीज़ लिखी थी कि आई कैन नॉट कंसीव, क्योंकि मेरे पे कोई ना कोई कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से मुझे कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, और मैं जब जब कंसीव करूँगी तब तक मेरा बच्चा मर जाएगा। साथ ही साथ मेरी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा था कि ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती है, इसको हमेशा डिप्रेशन रहेगा, एंजाइटी रहेगी, तो बहुत सारी चीज़ें थी, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी बहुत चीज़ें थी। लेकिन गुरुजी ने सब चीज़ें फेल करी और मुझे गुरुजी ने दिखाया भी, क्योंकि कई बारी गुरुजी ऐसे ऐसे भी ड्रीम में आए कि जिसमें गुरुजी ने साफ साफ दिखाया कि कैसे मुझ पे कोई अटैक कर रहा है, और गुरुजी ने उसको चल हट परे हट, और गुरुजी ने कैसे उनको पूरा हटाया रास्ते से। तो बहुत गुरुजी ने ऐसे मेहरबानियाँ करी हैं, बहुत सारी करी हैं। अब बहुत टाइम हो गया संगत जी, आई थिंक यहाँ पे हमें वाइंड अप करना चाहिए। दोबारा अगर गुरुजी ने मौका दिया मैं ज़रूर शेयर करूँगी गुरुजी के साथ, और बहुत सारे सत्संग हैं अभी। गुरुजी हाथ जोड़ के माफ़ी, कोई भूल चुक हुई हो तो संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना। संगत जी जय गुरुजी, अनंतम शुक्राने गुरुजी के। बस ये बोलूँगी कि संगत जी ये दर बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये दर बहुत प्योर है, बहुत सच्चा दर है, साक्षात रब महाशिव हमारे सामने हैं, हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स होती है हर संगत पे होती है, चाहे वो नई हो पुरानी हो। कई बारी आज ही आप गुरुजी के दर पे जाओ, आज ही ब्लेसिंग हो जाए, कई मेरे टाइम लगता है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो पेशेंस को बरकरार रखें, बाकी तो गुरुजी अपने आप करेंगे। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राने। कोई भूल चुक हुई हो तो कान पकड़ के माफ़ी गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।